उनके बारे में क्या कहते हैं? दिशा बंधन नहीं किए आपके आपके पीठ पे गुरु खड़े हैं। अगर कोई बुरी ऊर्जा आपकी ओर आ रही है तेजी से, तो गुरु पीठ पे खड़ा होकर उस बुरी ऊर्जा से लड़ता है, रोकता है आपको। जैसे एक मिट्टी का घड़ा वापस से मिट्टी नहीं हो सकता, जैसे दूध से फटा हुआ पर निकला हुआ पनीर दोबारा दूध नहीं हो सकता, वैसे मनुष्य से बना हुआ साधक दोबारा मनुष्य नहीं। चुनौतियां बहुत आती हैं तंत्र मार्ग में। चुनौतियों का मैं आपको उल्लेख बस ये बता दूं कि जब आप बुद्धेश्वर की पूजा करते हैं तो आपको घेरने रहा असुर राक्षसी आएंगे, भूत प्रेती आएंगे। चुनौतियां चूंकि तंत्र मार्ग में चुनौतियां बहुत, क्योंकि जब आप जैसे आप जब भूतेश्वर की पूजा कर रहे हैं, तंत्र के देव कौन? शिव। तंत्र के देवता कौन? शिव है। और शिव का ही एक अघोर रूप, एक विकराल, एक भूतेश्वर रूप, उनका एक अंश महाकाल भैरव, जो तंत्र कहीं पे भैरव को बताया जाता है, कहीं डायरेक्ट शिव को ही बताया जाता है। तो भैरव का रूप तो विकराल है, भयभीत कर देगा, चूंकि वो स्वामी भी है पर वो दुष्टों के लिए विकराल भी। तो आप तंत्र साधना कहाँ की जाती है? तंत्र साधना की जाती है श्मशान में, यहाँ वहाँ नहीं की जाती। तंत्र साधना श्मशान में की जाती है। और जब आप श्मशान में बैठ करके तंत्र की साधना करते हैं तो आपको अनेक प्रकार की चुनौतियां आपके जीवन में प्रवेश करती हैं, जो आपको भटकाती हैं उस साधना से, जो आपको भगाना चाहती हैं, जो आपको आपके मन को विचलित करती हैं, जो आपको उस नियम से, उस विधि से तोड़ कर हटाना चाहती हैं, निकालना चाहते कि निकलो यहाँ से। और दस महाविद्या की साधना करने से भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म पिशाच बैताल आदि, मतलब इस संसार की समस्त समस्याएं जो आपके जीवन आपको विचलित कर रही है, जो आपके अंदर विकारता पैदा कर रही है, अगर आपके घर में गृह कलेश बना हुआ है, आपके घर में शत्रु की नजर बनी हुई है, आपके जीवन में शत्रु की पीड़ा बनी हुई है, आज के समय में कोर्ट केस मुकदमा रोग पीड़ा, इन सभी समस्याओं मैं लिखित होता हूँ, मतलब मेरा तो विश्वास है अपनी माँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, इन सभी समस्याओं के निवारण हेतु अब दस महाविद्या की साधना करते हैं। जय माँ बगलामुखी। मेरा नाम सत्यम सैंडिल है। आज हम बगलामुखी मंदिर आए हैं, इससे पहले भी हम लोग आया करते थे, और यहाँ पे एक बार हमने वीडियो बनाया हमारे इस मंदिर के महंत देवराज जी के साथ, जिन्होंने तंत्र साधनाओं के बारे में अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, और हमने इसका वीडियो भी बनाया, और वीडियो बनाने के तत्पश्चात हमने जब इसको सोशल मीडिया पर डाला तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और आप लोगों की इच्छा थी कि हम इसको वापस से बनाएं, सेकेंड पार्ट करें, तो आपकी चाह हमारी राह खुल गई। हमने भैया से बात किया और मंजी ने राजी भी कर दिया, और तो आज हम लोग ये पॉडकास्ट टोटली ऑन होगा तांत्रिक विधि पे माता के ऊपर, और हम आज बात करेंगे अच्छे तरीके से, जो कि पिछले बार में अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाए, लेकिन इस बार आपको और भी ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, ये आपको मिलवाते हैं। जय माँ बगलामुखी। सभी भक्तों पे माँ बगलामुखी की कृपा सदैव बनी रहे। और पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो इससे पिछली बार जब हम मंदिर आए थे तो आपसे अनमोली हमने बात किया था, और अनमोली बात करते समय ही हमने इतना कुछ जान लिया, और इसका हमने वीडियो भी बनाया था, और वीडियो हमने जब सोशल मीडिया पर डाला तो ये तो वायरल हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें बताई गई, जैसे कि किस प्रकार से एक अच्छा साधु आपको बड़ा बना सकता है, और एक अच्छा एक खराब साधु आपको बुरा बना सकता है, तंत्र साधना को लेकर क्या मिथ्य बनी हुई है, सवाल सब आपने पूछा। और ये भी हमने पूछा था कि तांत्रिक नाम से लोग गलत सोचने लगते हैं, तांत्रिक मतलब जादू टोना सोचने लगते हैं, लेकिन इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। तो जब हमने इसको यूट्यूब पे डाला तो लोगों की हमारे व्यूअर की इच्छा थी कि महंत जी से वापस से मिले और कुछ क्वेश्चन और भी पूछे, तो आपकी आज्ञा हो तो हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। हम भक्तों की भ्रांतियाँ दूर करना ही हमारा काम है। सही कर्मों में हमारा एक कर्म ये भी है कि भक्तों के अंदर या समाज के अंदर तंत्र साधना तांत्रिक लोगों तांत्रिक साधक के बारे में जो भी गलत धारणाएं बनी हुई हैं, गलत भ्रांतियाँ बनी हुई हैं मन में, उनके गलत सोचते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उन सभी तांत्रिकों को दूर करना भी हमारा एक कर्म है। लेकिन हर एक तांत्रिक को साधना तो करनी पड़ेगी, बिना साधे बिना साध
ना अपने इष्ट अपने ईश्वर के बिना वो आगे नहीं बढ़ते। फिर आगे तांत्रिक से डरिए और नहीं भी डरिए, यही कहेंगे कि तांत्रिक हमने कहा ना गलत तांत्रिक कभी आपको सदैव आपको हानि पहुँचा देगा पहुँचाना चाहेगा, और सही तांत्रिक कभी भी आपको हानि पहुँचाने का नहीं, वो बहुत चुप रहेगा बहुत शांत रहेगा आपके सवाल तक ही जवाब देगा, उससे अत्यधिक जवाब देना उसकी उसकी मर्यादा के पार है, वो नहीं देना चाहता है। क्योंकि मैं यहाँ बोल भले लो थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आमतौर पर मैं बहुत चुप रहना पसंद करता हूँ। जो आप जो जैसे लोग आते हैं उनकी जैसी बातें होती बस मैं उतना ही उनसे जवाब देता हूँ, उससे ज़्यादा बात करना हमारी हम लोग नहीं चाहते। आगे पूछें सर। तो आपका ये बात सुनकर तो एक बहुत सा अच्छा सा जवाब दिया और बहुत हैरान हो गए हैं। लोग कहते हैं कि तांत्रिक सिर्फ जादू टोना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे इन्होंने बताया असली तांत्रिक वही है जो आपकी लिए कुछ करता है, आपका बुराई कभी नहीं करता और सब कोशिश करता है कि आपका अच्छा हो जाए। चलिए हम लोग आपका ही सवाल दूसरा सवाल भैया, अक्सर यहाँ आते हैं तो हमने शाम की आरती भी की है और 10 बजे वाली आरती भी होती है, शमशान की आरती होती है, तो इसमें दुर्गा माँ की 10 महाविष्णु की पूजा होती है यहाँ पर, तो इसकी धार्मिक और आध्यात्मिक का क्या महत्व है? ठीक है, इसका वर्णन आप कुछ ऐसे समझे, भारतीय दर्शनकों की जो वर्णन आती है परम ब्रह्म पराशक्ति के बारे में, सबसे पहले तो उसको जाने जो मतलब जो आधार है इस जवाब का। पौराणिक काल में जब संसार का संसार की जब उत्पत्ति हुई तो सभी लोगों ने परम ब्रह्म की साधना करना की शुरुआत की। तो अक्सर आप देखते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ को नित्य दिन आप वही कार्य कर रहे हैं, और जब आप उस कार्य को डेली कर रहे हैं तो आपको आपके जीवन में कुछ बदलाव हो ना हो लेकिन एक चीज़ की बदलाव ज़रूर होगी कि ज्ञान आपका बढ़ता चला जाए उसी एक कार्य के लिए। जैसे मैं आज अगर गाड़ी चलाना सीखता हूँ तो आज मैंने कुछ और सीखा है और कल मैं उसमें कुछ और बेहतर हो जाऊँगा, जबकि नित्य दिन वही गियर है वही एक्सीलेटर है वही क्लच। तो जब साधक या जितने भी साधक थे जब उन्होंने परम ब्रह्म की साधना में जब वो आगे बढ़ते चले गए तब उन्हें एक चीज़ का अनुभव हुआ कि परम ब्रह्म के हृदय में वास करने वाली शक्ति जिसके बिना परम ब्रह्म इतने असक्त हैं कि वो हिल भी नहीं सकते, तब उनकी ये उत्तेजनाएं बढ़ गई कि वो हृदय में वास करने वाली जो जो बस्ती है जो हृदय में विराजमान है वो शक्ति है कौन जो जिनके बिना परम ब्रह्म इतने असक्त हिल नहीं सकते, तो उस उनके बारे में जानने की अनुभूति लोगों ने जगाई, लोग साधक उसके बारे में जानने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़े। तो फिर साधना के केंद्र में जब पराशक्ति के बारे में जब जानने की जब साधक साधना करने में आगे बढ़े तो वही पराशक्ति कहीं काली कहीं दुर्गे कहीं ललिता कहीं बगलामुखी कहीं तारा कहीं छिन्नमस्ती का अनेक नामों से प्रचलित, जैसे हमारे यहाँ माँ बगलामुखी विराजमान है और मैं माँ बगलामुखी का साधक हूँ, तो वही बगलामुखी सभी रूपों में है, बस रूप अलग है, सभी में विराजमान है और सभी माँ बगलामुखी में ही विराजमान। तो 10 महाविद्या, अब आपका सवाल है कि 10 महाविद्या का, उससे पहला एक सवाल है कि धर्म और अध्यात्म क्या। धर्म इस संसार धर्म को आप ऐसे समझें कि धर्म एक संसार है और अध्यात्म वो सागर है जिसके द्वारा इस संसार को पाया जा सकता है। एक धर्म और अध्यात्म का अपने बीच में ही एक अटूट रिश्ता है। धर्म आप ऐसे समझे कि धर्म हमारे आपके आने से पहले भी था, हमारे आपके जाने के बाद, संसार के आने से पहले भी था, संसार के जाने के बाद, इस युग के आने से पहले भी था, इस युग के जाने के बाद भी। धर्म तो शाश्वत को कोई मिटा नहीं सकता, कोई भी नहीं, कहा ही जाता है धर्म ना आदि है ना अंत है। महादेव का ना आदि खोज सकता है कोई ना अंत खोज सकता है, वो तो धर्म गुरु है संसार के गुरु, तो धर्म का तो ना कोई आदि है ना अंत, पर उस धर्म में प्रवेश करने का एक रास्ता है अध्यात्म। इसलिए हमने कहा ना कि धर्म और अध्यात्म का एक अटूट रिश्ता है,
और धर्म धार्मिक का ये रिश्ता है कि धर्म एक पथ है जो मनुष्य को जीवन में सही पथ पे चलना सिखाता है। और धार्मिकता वो है कि आप कहीं भी जाते हैं, जैसे मान के चले आप हमारे माँ के दरबार में आते हैं, तो यहाँ की धार्मिकता है कि माँ को दही हल्दी का प्याली अर्पित करें। बाबा के दरबार में जाते हैं तो धार्मिकता है कि बाबा को जल चढ़ाना है। कहीं जाते हैं कहीं बलि का धार्मिकता है, कहीं हवन करने का धार्मिकता है, तो धार्मिकता वो। और अध्यात्म आध्यात्मिकता यही है कि अध्यात्म एक नियम है और आध्यात्मिकता जो व्यक्तित्व व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से बना करके उसमें प्रवेश है। तो यही धर्म और अध्यात्म का अपना एक अटूट रिश्ता है। अब दस महाविद्या क्या है? दस महाविद्या एक तरीके से आप समझिए कि दस महाविद्या दस अवतार है देवी, जैसे विष्णु भगवान के दस अवतार हैं, वैसे महादेवी के दस अवतार महाविद्या, दस महाविद्या। स्वयं माँ सती कहती हैं, माँ पार्वती कहती हैं कि मेरे सभी स्वरूपों में, जगत जननी का ये कहना है कि मेरे सभी स्वरूपों में दस महाविद्या उत्कृष्ट स्वरूप। और दस महाविद्या की साधना तांत्रिक पद्धति से ज्यादा की जाती है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी पूजा वैष्णव या वैदिक मार्ग से नहीं की जाती, वैदिक मार्ग से भी की जाती है, वैष्णव मार्ग से भी, हर एक संप्रदाय से। लेकिन शाक्त संप्रदाय में दस महाविद्या की पूजा ज्यादातर तांत्रिक पद्धति से की जाती है, क्योंकि तांत्रिक, हमने कहा ना, तांत्रिक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो साधनाओं के द्वारा आगे बढ़ती है, जिसमें सिर्फ भजन कीर्तन नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भजन कीर्तन कोई महत्व नहीं है, भजन कीर्तन अपने आप में सर्वशक्तियात्मक रूप है। भगवान की पंच साधनाओं में ऐसे एक रूप ये भी दिया जाता है कि सात्विक साधना, रजोगुण साधना या तामसी साधना, पर उपनिषदों में एक पंच साधनाओं का भी उल्लेख, कर्म साधना, योग साधना, भक्ति साधना, ज्ञान साधना, क्रिया साधना, तांत्रिक साधना। तांत्रिक साधना के अंदर ही ये पंच साधनाएं आती हैं, उत्कृष्ट माना जाता है किसी भी साधना। तो दस महाविद्या जिनका स्वरूप काली, तारा, छिन्मस्तिका, सोटसी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, कमला मातंगी, दस महाविद्या का स्वरूप है। ये दस महाविद्या महादेवी के सबसे उत्कृष्ट स्वरूप में आती है। और दस महाविद्या की साधना करने से भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म पिशाच, बैताल आदि, मतलब इस संसार की समस्त समस्याएं जो आपके जीव आपको विचलित कर रही है, जो आपके अंदर विकारता पैदा कर रही है, अगर आपके घर में गृह कलेश बना हुआ है, आपके घर में शत्रु की नजर बनी हुई है, आपके जीवन में शत्रु की पीड़ा बनी हुई है, आज के समय में कोर्ट केस मुकदमा रोग पीड़ा, इन सभी समस्याओं, मैं लिखित होता हूँ, मतलब मेरा तो विश्वास है अपनी माँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, सभी समस्याओं के निवारण हेतु आप दस महाविद्या की साधना करते सभी समस्याओं से आपके जीवन का कष्ट दूर। और सिर्फ कष्ट ही दूर नहीं, देखिए मेरा राक्षसों का वध तो देव ने भी, देवों ने भी किया है, फिर देवी के आने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं बहुत अच्छा बात करूं, देवी के आने का आगमन सबसे अच्छा इस तरीके से समझिए कि भौतिक रूपी संसार में तो आप शत्रु को मार सकते हैं या गिरा सकते हैं या झुका सकते हैं, और जो आत्मा रूपी असुरी जो आपके अंदर बसा हुआ है उसको कैसे दूर, उसको दूर करती है माँ अम्बा जगत। इसीलिए करो, मैं हमेशा कहता हूँ इसलिए करो उनकी साधना, तुम्हारे हृदय में जो असूय सोच बसी हुई, असूय राक्षस जो तुम्हारे अंदर तुम्हें गलत चीजों के लिए भटका रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बातों में कहा था ना कि साधकों के मन में भी आता है कि आज पूजा छोड़ देते कल कर, कई साधकों के मन में आता है, शुरुआत मुझे भी आती थी, शुरुआत में ये ख्याल मुझे भी आता था कि आज नहीं करते कल करेंगे, पर उस भावनाओं को तोड़ के, उस जाल को तोड़ के आपको आगे बढ़ना होगा और तब जाकर के आप उनकी साधना में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो आप में त्यागने की क्षमता नहीं है, अपने आप सोच रहे हैं कि
नहीं मैं वो घूमने जा रहा है, वो ये कर रहा है, मैं पूजा में ही रहूंगा तो मैं ये भौतिक जीवन का एंजॉय नहीं, वो सब दे देगी, तुम उनके शरण में करो। और क्या चीज आपके पास भी, हर चीज हमारे पास भी, आप अपने रूप से जीवन को जीते हो, हम अपना हमारे रूप से जीते हैं। तो एक साधक, एक तांत्रिक का वो अपने आप में जीवन बहुत आगे बढ़ जाता है इन सब चीज़ों, उसको इन सब चीज़ों की ना होने या होने से प्रभाव नहीं होता। और दस महाविद्या, मैंने आपको शुरू में भी हर चीज़ बता दी है, दस महाविद्या की साधना जो मनुष्य को अगर ना कर, अगर खुद नहीं करने आता किसी ब्राह्मण के द्वारा, उत्कृष्ट ब्राह्मण या उत्कृष्ट साधक के द्वारा, उनकी पूजा में जरूर सम्मिलित। अगर दस महाविद्या का सिर्फ एक बीज मंत्र भी आपके कानों में पड़ता है तो आपके मन में बसी हुई असूरीय सोच अपने आप नष्ट होना चाहती शुरू हो जाती। और तंत्र की तो बहुत पद्धति है जो दस महाविद्या की पूजा में प्रयोग की जाती है, बहुत ऐसी पद्धतियां हैं जो मैं बोल नहीं सकता, लोग नहीं समझ सकते हैं, पर वो है। तो कैसे टालू, इसे कहने न कहने से धर्म का नियम थोड़ी बदल जाएगा जो पौराणिक चलते चला रहा। दस महाविद्या अपने आप में देवी का वो अवतार है, इससे दर्शन मात्र से, और दर्शन जो रसिक उनकी स्तुति, वो आदि शक्ति जो दस महाविद्या की स्तुति है, वो आदि शक्ति इसलिए स्तुति कोई अगर गा ले या सुन ले या स्मरण कर ले, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, अपने विश्वास, अपने आस पास। तो जी भैया, तो सबसे आपने बहुत अच्छे लगता है, हमारे दर्शकों को भी ये बात बहुत सुनकर बहुत ही हैरानी हो रही होगी और इनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए तीसरा सवाल पूछते हैं भैया। अभी हमारे ये सर जो तीसरा सवाल था वो भी समाप्त हो गया, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको बताया। तो अब हम भैया और सवाल करने वाले हैं, एक सवाल है कि तंत्र मार्ग के माध्यम से दुर्गा दस महाविद्या की साधना है, तो करने में क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश करिए। देखो ये सवाल मैं बहुत अच्छा सवाल पूछा, हाँ करके भी लाइव, किसी भी देवी देवता की सिर्फ नाम स्मरण से ही, पूजा पाठ की विधि का कुछ छोड़ो, सिर्फ नाम स्मरण से ही तुम उनका नाम लेते हो। हर प्रत्येक मनुष्य के अपने इष्ट अलग हैं, वो अपने इष्ट की पूजा करता है, जो उनके इष्ट है उनकी साधना करता है। तुम जैसे हम माँ बगला मुखी भी करते हैं, कोई बजरंग बली का करता है, कोई श्री राम का नाम लेता है, कोई राधा रानी का नाम लेता है, कोई माँ काली का नाम लेता है, कोई महादेव महादेव चिल्लाता है, कोई नारायण नारायण कहता है। अपने इष्ट का नाम लेना तो सदैव लाभदायक ही है। अब लाभदायक कोई कैसे नहीं लेता, जैसे कि किसी के मन में कामना है, वो माँ का नाम ले रहा, कामना पूर्ण नहीं हो रहा, लिए जा रहा, कामना उसकी पूर्ण नहीं हो रही, तो बहुत बड़े पाप से वो बाहर आ रहा है। वो बस कामना देख रहा है लेकिन उसको नहीं पता कि वो नाम ले रहा है तो उसके जो पूर्व जन्म के जितने प्रारब्ध है वो धुल रहे हैं। कीचड़ की बड़ी अच्छी, जब कीचड़ साफ करते हो तो एक बड़े अच्छे नियम देखना, कीचड़ जब भी साफ करना है, कीचड़ एक जगह जमा है, अब कीचड़ पे पहले क्या डालते हो, पहले पानी मारते हो कीचड़ साफ होगा, तो कीचड़ पे जब आप पानी डालते हो ना उसको साफ करना, तो कीचड़ की बड़ी अच्छी एक नियम होती है, वो कीचड़ फैल जाता है, कोने कोने में घुस जाता है। पहले एक ही जगह था, एक ही जगह वो खराब कर रहा था, लेकिन अब जैसे ही इस पर पानी पड़ेगा साफ होने के लिए तो वो सब जगह फैलेगा। तो जैसे ही आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपके मन में जितनी भी विकारताएं हैं, जो पूर्व जन्म से प्रारब्ध जो आपके जीवन में बनी हुई है, जो कीचड़ आपके जीवन में फैला हुआ है, वो धुल रहा है। तो धुलेगा तो सीधी सी बात है कि आपके साथ बात भाई कीचड़ फैलेगा, और जब कीचड़ फैलता है तो मन में विकारताएं, बदबू सब जगह फैलती है। वैसे ही मन की विकारताएं जब फैलती है तो विचलित बहुत करता है, लेकिन फिर भी अटेक होकर के स्थिरता के साथ मन को शांत करके अपने प्रभु अपने इष्ट का नाम लेते रहो, और तुम्हें दिखेगा कि तुम कब उस कीचड़ से बाहर आ गए, कब तुमने उस सारे कीचड़ को समेट के बाहर निकाल दिया अपने जीवन से। वैसे ही प्रत्येक मनुष्य को अपने इष्ट का नाम लेने से, तुमने कहा ना कि तंत्र मार्ग में पूजा करने से क्या लाभदायक है,
किसी भी मार्ग से पूजा करने में लाभदायक है ही है, क्योंकि आप अपने इष्ट की आशीर्वाद की प्राप्ति करते हो अपने जीवन में। कुछ ना तो उनको स्मरण तो करते रहते हो, अपने हृदय कमल में उनको विराजमान रखते हो। और तंत्र मार्ग से अगर विशेषता पूछना चाहते हो तो तंत्र मार्ग एक ऐसी पद्धति है जो तुरंत एक्शन करती है। जी, दो मार्गों के बारे में बताया गया, एक वाम मार्ग एवं एक दक्षिण मार्ग। वाम मार्ग दक्षिण मार्ग को आप ऐसे समझिए कि तंत्र मार्ग और वैदिक मार्ग। तो वैदिक मार्ग में जब आप किसी भी समस्याओं के निवारण के लिए आप जाते हैं तो उसमें लंबा समय लगता है, एक विधि के साथ एक पूजा की जाती है। तंत्र मार्ग में भी एक विधि के साथ पूजा की जाती है। हाँ, जैसे वैदिक मार्ग में शुद्धता होना, पवित्र होकर के सभी सामग्री का होना, सभी चीज का नियम अनुसार पूजन करके षोडशो पूजा की जाती है, षोडशो उपचार से पूजा की जाती है, या आगे सत्रहशो उपचार है, राजोपचार है, महाराजोपचार है, बहुत प्रकार के उपचारे हैं जिनसे पूजा की जाती है। वैसे ही तंत्र पद्धति में भी ये नियम लागू है, पर तंत्र पद्धति एक ऐसा रास्ता भी बनाता है कि जिसमें कुछ ना भी हो तो भी माँ स्वीकार करती है उस पूजा को। उसमें शुद्ध होना भी नियम है और शुद्ध ना भी होना भी कोई नियम नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप शुद्ध होकर के ही जाए। आप एक जल का छिड़काव कर ले अपने शरीर पे, आप माँ की पूजा करने बैठ जाए, माँ भाव से स्वीकार कर लेती है। तंत्र पद्धति वो पद्धति है कि आप सिर्फ एक जल का छिड़काव करके, और जल भी नहीं है तो मन से स्मरण करके कि मैं जल छिड़कता हूँ अपने ऊपर, मैं शुद्ध हो गया हूँ, और आप पूजा करते हैं तो माँ स्वीकार करती है उस पूजा को। तंत्र मार्ग एक ऐसी ये पद्धति तुरंत एक्शन लेती है, तुरंत। इसलिए तांत्रिक जो कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते थे कि जो कहीं नहीं हो पाएगा वो तंत्र मार्ग में हो जाए। ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि वैष्णव जो है या वैदिक जो है वो प्रभावशाली नहीं है या वो कम बलशाली नहीं, वो बहुत बलशाली है, वो भी बहुत बलशाली है, पर तंत्र मार्ग भी बहुत बलशाली। शक्ति जिसके साथ वो बलशाली है ही, बिना बल हम जब देवी की पूजा करते हैं तो क्या चीज की सबसे पहले प्राप्ति होती है आपको पता है? सबसे पहले बल की प्राप्ति, बुद्धि की प्राप्ति, धन सफलता, मतलब समृद्धि की प्राप्ति होती है ना, बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति होना। तो ये देता कौन है? शक्ति के द्वारा, जगदम्बा के द्वारा प्राप्त होती है। तो तंत्र मार्ग और वैदिक मार्ग दोनों को बस मैं ऐसे ही डिफिनेशन दे सकता हूँ, मतलब बता सकता हूँ कि दोनों को जाना उन्हीं के शरण में, बस जाते हैं अपने अपने अनुसार। हाँ, बस जाते कहें ना, बस जाते अपने अपने अनुसार हैं। कोई मांस मदिरा चढ़ा के चलता है तो तंत्र मार्ग में मांस मदिरा नहीं भी चढ़ाता है तभी पहुँचता है जी। कोई नाम लेके भी पहुँचता है, कोई अनुष्ठान करके पहुँचता है, और यहाँ भी वही नियम। हाँ, तो बस कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ना वही है। और चुन लेकिन फिर भी अटिक होकर के स्थिरता के साथ मन में एक निष्ठा रख करके आप तंत्र की साधना करते हैं, तंत्र मार्ग से साधना करते हैं, तो देवी की आशीर्वाद की प्राप्ति के आप हकदार होते हैं और आपको देवी आशीर्वाद देती है। पर किसी भी नियम में मैं हमेशा कहता हूँ सभी भक्तों से, तो तुम्हारे आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ सभी भक्तों को, कुछ नियम का पालन जरूर करना चाहिए। नित्य दिन अपने इष्ट देवता कुल देवता को जरूर पे जाकर के जब कुछ ना तो कम से कम हाथ जोड़ के प्रणाम ही जरूर करें। प्रणाम करना भी बहुत बड़ा नियम, कुछ लोग नहीं करते। आप कम से कम वो तो कर रहे हैं, तंत्र ये भी, तंत्र का मानना है कुछ ना करने से बेहतर कुछ तो कर रहा है तंत्र। ये तंत्र इतना घुमावदार है, तंत्र में जो प्रवेश करेगा और उसके साथ उसके गुरु नहीं है तो उस जाल में फंसता चला जाएगा, फंसता चला जाएगा। देवी स्वयं देती है आपको, देवी का एक स्वरूप विद्या भी है। और तंत्र मार्ग, मैंने शुरू में भी कहा कि पंच साधनाओं में सबसे उत्कृष्ट मार्ग तंत्र मार्ग। मैं ये नहीं कह रहा कि वैदिक अवगाहना करो, उनको भी बुरे ना लग जाए कि खाली तंत्र को ही ज्यादा डालोगे तो कोई ना कोई तो टिप्पणी दे ही देगा। लेकिन नहीं, तंत्रांतरिक पद्धति अपने आप में उत्कृष्ट पद्धति है, क्योंकि आप ईश्वर की प्राप्ति इसी शरीर से करते हैं, आत्मा इसी शरीर के अंदर है, तो ये तो तंत्र है।
यही शरीर ही एक शरीर के द्वारा ही एक मार्ग आपका वहां बैठा हुआ, आपके अंदर भी आज सबके अंदर एक आत्मा बैठा, लेकिन कैसे जानेंगे कि आपकी सत्यम ये शरीर ये सूरत बताएगा ना, ये सत्यम ये सूरत बताएगा ना कि मैं कौन, ये सूरत बताएगा तो ये शरीर एक मार्ग है जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है। और जब आप उसी शरीर से आगे तब ना आप जाकर के अपने आत्मा से जुड़ जाते, तो फिर आप शरीर में हैं, वो आत्मा आपके शरीर में है लेकिन आपकी आत्मा जागृत। तो चुनौतियां बहुत आती हैं तंत्र मार्ग में। चुनौतियों का मैं आपको उल्लेख बस ये बता दूं कि जब आप भूतेश्वर की पूजा करते हैं तो आपको घेरने का असुर राक्षसी आएंगे, भूत प्रेती आएंगे, श्मशान में भूत प्रेतों का वास होता है जब आप पूजा करते हैं। इसलिए किसी भी तंत्र मार्ग में या किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले आपके जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। बिना गुरु मार्ग, बिना गुरु दीक्षा, आप समुद्र के तट पे पड़े रेत के समान, अनंत रेत के समान आप जाप कर ले, क्योंकि भगवान का नाम लेना फलदायक तो होता ही, आपको फल तो देगा ही देगा कहीं ना कहीं, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो सकता, वो नाम वो मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता, वो मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा। फल देगा आपको, आपके जीवन में सदैव उस मंत्र का फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप कहेंगे कभी कि आप उसको सिद्ध करना चाहे वो सिद्ध नहीं। इसलिए चुनौतियां भी बहुत आती हैं, बहुत चुनौतियां हैं, मैं बहुत उल्लेख नहीं कर सकता हूँ, लोग भयभीत हो जाते हैं, चुनौतियां बहुत हैं तंत्र मार्ग में, चुनौतियां तो हैं। और फिर प्राप्ति के बाद आनंद भी, सबने कहा ना अध्यात्म के द्वारा धर्म का आनंद की प्राप्ति हो सकती है, वैसे ही किसी भी मार्ग से ईश्वर का नाम लेने का प्राप्ति तंत्र या वैष्णव या वैदिक किसी भी संप्रदाय से अपने ईश्वर की प्राप्ति कर सकते। आप भैया आपने फिर से ये सवाल सुनकर हैरान होंगे और सजीवन भी बहुत ध्यान सुन रहे होंगे, तो आप बताइए भैया के बाद आपको किस प्रकार से हल किया। हम तो बहुत प्रभावित हो गए हैं, तो अभी जैसे कि भैया ने बताया गुरु का होना हर चीज़ आवश्यक है, आप पढ़ रहे हैं तब भी आवश्यक है, अभी जैसे भैया ने पूछा या बताया कि गुरु हर पूजा विधि में हर जगह उतना ही वैल्यू रखते हैं जितना एक कोऑर्डिनेटर रखता है, तो चलिए अब हम भैया से पूछते हैं गुरु की भूमिका क्या है अच्छे तरीके से। लोग समझना नहीं चाहते या किसी भी मार्ग में चाहे वो आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, कर्म से जुड़ा हो या मॉडर्नाइजेशन से, किसी भी रूप में गुरु का होना अति आवश्यक। बच्चे को साइकिल सिखाने के समय एक बड़ा भाई उसका गुरु बन जाता है, क्लास में मैथ सिखाने के समय मैथ का टीचर बच्चे का गुरु बन जाता है, घर में रोटी बनाने समय बेटी की गुरु उसकी माँ बन जाती है। वैसे ही अध्यात्म में ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक साधक के गुरु उसके गुरु बन जाते हैं। जैसे मेरे भी गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे इस कर्म के लिए प्रभावित किया, उन्होंने मुझे इस कर्म में प्रवेश कराया। मेरे पिता पहले तो मैं जैसे कि किसी भी मनुष्य के लिए चार लोगों का होना अति आवश्यक है मेरा मानना, आप सबके अपने में सोचो सकती है, राज्य में राजा। और अगर आज के समय पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ लेना, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आज के समय अगर रातों रात नरेंद्र मोदी मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो वो रातों रात अगर वो कुर्सी छोड़ दे तो ठीक है, कल को कोई बन जाएगा उस जगह पर आकर, लेकिन उतने देर में पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा, भाई राजा अचानक ऐसे क्यों कर दिया। हाँ, तो राज्य में राजा होने का अति आवश्यक, मनुष्य के लिए राजा होना अति आवश्यक, बिना उसके ऊपर राजा का प्रभाव होना चाहिए। आज अगर प्राइम मिनिस्टर कह दे कि नहीं कल को
इतना टैक्स ना लेकर के इतना ही लेना होगा, आप उसको नहीं डाल सकते, आपको स्वीकार करना होगा। वो राजा है ना, ये अलग बात है कि अच्छे राजा और बुरे राजा का फिर वो दूसरा टॉपिक हो जाता है, लेकिन एक मनुष्य के लिए राजा होना, राजा का होना अत्यावश्यक। दूसरा, समाज में गुरु का होना अत्यावश्यक। मनुष्य बिना गुरु के अज्ञानता के प्रभाव को नष्ट करके ज्ञान का प्रभाव बढ़ाना, भौतिक जीवन से ईश्वरी जीवन की प्राप्ति, मतलब ईश्वरी के ईश्वर के मार्ग की प्राप्ति करना, तीत से सर्वतीत हो जाना, ये गुरु ही करा सकता। जैसे हम बच्चे होते हैं ना, तब जैसे दीपावली आती है, होली आती है, तो हम लोग कैसे मनाता है, बहुत सारा रंग खेलेंगे, बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे। ऐसे ही बचपन हमारा भी था, बहुत सारे बम पटाखे लाएंगे फोड़ेंगे। पर जब हम इस पर्व इस मार्ग में प्रवेश किए तो दीपावली के दिन माँ काली की पूजा की, तो उस दिन हमारे गुरुदेव ने कहा कि तुमको पूजा पे बैठना है, तुम पूजा पे बैठो, और उनका आदेश हुआ हमको कि आप पूजा, ये साधना है माँ काली की, तुम्हें आज से स्टार्ट करना है इस दीपावली से। मैं मेरे मन में आया बात कि सब बच्चे बम फोड़ रहे हैं या इंजॉय कर रहे हैं या खुशी मना रहे हैं, तो क्या मैं अचानक बच्चे के हाथ से बम फोड़ के तो उसको कोई जिम्मेदारी? वो थोड़ा मन साथी हो गया कि मुझे पता नहीं था उस साधना के बारे में, तो अचानक उनका आदेश हो गया हमको। गुरु की कभी कभी ये भी करते हैं, अचानक ऐसा बम फोड़ देंगे शिष्य के देह पे कि शिष्य जो होता है वो अचंभित हो जाता है, क्या हो गया थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो गुरु ऐसे भी होते हैं। हाँ, तो मेरे पिताजी, उन्होंने कहा कि जैसे मेरे गुरु के गुरु मेरे पिताजी हुए, हाँ, उन्होंने कहा कि तुम्हें बैठना है, और मेरे गुरुदेव ने कहा था आपको बैठना है, आपको ये साधना में आगे अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है, इसमें माँ की साधना है, विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होगी इसमें आपको। उन्होंने ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बताया, बस इतना ही ज्ञान दिया उन्होंने उसमें बैठ गए। तो गुरु की बात पर मैं थोड़ी देर के लिए तो उदास था कि सब बच्चे घूम रहे हैं फिर रहे हैं, मैं क्यों नहीं घूम रहा हूँ, आज मैं यहाँ बैठ गया हूँ, मैं एक जगह पे स्थिर हो गया आकर के, सब घूम रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के पूजा कर रहा हूँ, मेरा बच्चा वाला सोच था। लेकिन जब मैं पूजा पे बैठा, आज मैं पूजा करने लग गया, मतलब जैसे ही आप साधना में आ गए, मैंने कहा ना कि जब आप कोई एक ही चीज़ ही नित्य दिन वही कर रहे हैं, लेकिन आप साधना पथ में जैसे ही आप आगे बढ़ते रहते हैं, उसी चीज़ को नित्य दिन कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको कुछ वो कार्य में आपकी ज्ञान बढ़ते चली जाएगी, उस कार्य से लेकर के ज्ञान, जो उस कार्य से लेकर के कर्म से लेकर के जो ज्ञान जुड़ा है वो बढ़ता। तो जब मुझे वो ज्ञान, वो जो ज्ञान की प्राप्ति होने लगी उस समय, तो मुझे लगा कि ये आनंद है, ये गुरु दिलासा। मुझे संसार में सब लोग थे लेकिन कोई नहीं बताया, मेरे गुरु और मेरे गुरु के गुरु ने बताया मुझे कि ये कार्य तुम्हें करना है, इसलिए गुरु का होना अति आवश्यक। तीसरा, घर में बाप का होना अति आवश्यक। बिना बाप का लड़का देख लो ऐसा बिगड़ा हुआ होगा, बिना बाप का लड़का तुम कहीं भी देखो, मुश्किल से मुश्किल 1-2% लोग होंगे जो, और सुधरा भी होगा तो उससे पूछो कि क्या तुम बिना पिता के हो तो तुम्हारे जीवन में क्या कष्ट, वो बताएगा सारी बातें अपने दिल से बताएगा, हृदय से, कि मुझे कहीं सलाह लेना होता है तो मैं ले नहीं पाता हूँ, मुझे कोई चीज़ का शौक होता है तो मैं कह नहीं पाता हूँ, बहुत चीज़ें होंगी भावनाओं से जुड़ी थी, बहुत बातें होती हैं। तो पिता, और घर जीवन में, मतलब घर में बाप का होना होता है, जीवन में पत्नी का होना आते हैं, और पत्नी के लिए पति का होना आते हैं। जब तक दो आत्माओं का मेल नहीं होगा तीसरी आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और ये संसार का मूल आत्मा है, बिना आत्मा के ये संसार विचलित नहीं, घूम नहीं सकता, चल नहीं सकते, नित्य दिन ये संसार बढ़ता चला जा रहा है उस आत्मा के, और वो आत्मा मूल आत्मा ही शक्ति, माँ शक्ति का एक स्वरूप है जो मेरे आपके अंदर विराजमान है। जब हम किसी आम व्यक्ति को भी प्रणाम करते हैं उसी आत्मा को प्रणाम करते हैं, आपके हृदय में जो आत्मशक्ति विराजमान है उसको प्रणाम करते हैं। इसीलिए चार लोगों का होना अति आवश्यक है। उनमें जो गुरु की एक बात बताई आपने कि गुरु का, गुरु कृपा, गुरु कृपा होना, गुरु ही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, गुरु सदैव आपको कभी आपको पीछे नहीं मिल सकता। गुरु के मार्गदर्शन से ही मनुष्य ने कहा ना, तीत से सर्वस्तीत हो जाता है, अध्यात्म से आध्यात्मिकता में प्रवेश कर जाता है, धर्म से धार्मिक हो जाता है,
धर्म कर्म के मार्ग पे चलने लगता है। सिर्फ कर्म नहीं, धर्म कर्म दोनों मार्ग पर प्रवेश, धर्म कर्म का महत्व समझ जाता है जीवन में। इसलिए गुरु का होना अति आवश्यक है। जब आप किसी, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं तंत्र साधना कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि तंत्र साधना में एक विधान है दिशा बंधन, रक्षा बंधन तो होती ही है, मतलब आत्म रक्षा बंधन तो होती ही है, लेकिन दिशा बंधन का भी एक विधान, वो कौन बताएगा? आपको गुरु बताएंगे, किताबों में पढ़ने नहीं है ज्यादा, वो गुरु बताएंगे कि दिशा बंधन कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर तंत्र मार्ग में आप उग्र देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो आपको उग्र प्रभाव ही आएगा, और उस उग्र प्रभाव को आपको रोकता कौन है? मंत्र रोकता है, मंत्र स्थिर करता है उस उग्र प्रभाव को। और अगर आप दिशा बंधन नहीं किए, आपके पीठ पे गुरु खड़े, अगर कोई बुरी ऊर्जा आपकी ओर आ रही है तेजी से, तो गुरु पीठ पे खड़ा होकर उस बुरी ऊर्जा से लड़ता है, रोकता है आपको। अपने तंत्र साधना को देखा क्या, लोगों के प्राण आ जाते हैं आपके सामने। तंत्र साधना वो साधना है, मेरा मतलब घूमते खड़े हो गए, मैंने देखा है, मतलब कि अद्भुत लीलाएं देखी है मैंने, गुरु के सामने खड़ा होकर दिखाया है। हमारे जो पिताजी थे, चूंकि हमारे गुरु के गुरु थे, तो एक रूप से हम उनको श्रेष्ठ गुरु भी कहते हैं, पिता भी थे हमारे, उन्होंने बहुत बहुत अलौकिक अलौकिक चीज सब दिखाया, हमारे गुरु ने भी दिखाया हमें, वो मुठी अलग, उसको वर्णित नहीं किया जा सकता, उसको बस देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसको किसी किताब के पढ़ने पे लिखा नहीं जा सकता, कितनों बड़ा राइटर होता जाए उसको लिख नहीं सकता, वो भावना ही नहीं व्यक्त कर पाएगा, कितनों देख लेंगे कलम लिख देंगे, पहला लाइन लिखेगा दूसरा लाइन भूल जाएगा। गुरु की कृपा और गुरु का होना अति आवश्यक है। गुरु ही एक अधिकारी, गुरु ही अधिकारी शिष्य का जो मिलन होता है, उस संसार को सदैव आगे बढ़ाएगा, सदैव संसार की आत्मोन्नति समाज कल्याण के लेकर के जरूर करे, वो आत्म कल्याण करेगा। अगर मैं खुद नहीं ऊर्जावान बनूंगा तो मैं तुम्हारा कैसे कल्याण करूंगा? कल्याण तो देवी ही करती है, लेकिन अगर आप हमारे पास आते हैं कि ये समस्या, ये तो आखिर उन्होंने रखा है ना बीच में कि तुम इसको, ये तुमने, तुम पढ़े हुए हो, अगर तुम्हें वो ज्ञान है। आज जैसे हम कई साधु, जैसे हम हो गए या अनेक लोग हैं, तो हमारे पास लोग आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि जैसे ये समस्या है मेरे घर में, या मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा, या मेरे घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो, तो हम उन्हें बताएंगे ना कि आप एक काम करें, देवी के दरबार में आप ये कार्य करते रहे, करिए, अरे नहीं पूरा होगा तब तुम आगे कहना हमारे सामने नहीं पूरा होगा, क्योंकि हमें तो आदेश जगदम्बा देती है, हमारे ऊपर निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर है, करना ना करना। श्री कृष्ण मैदान में तो ज्ञान दे दिया, अर्जुन कहता नहीं, हम अर्जुन कहते कि नहीं हम तो तीर चले भी नहीं करेंगे, तो श्री कृष्ण क्या समझते, क्रोधित ही हो सकते थे, ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाते, यही बात। गुरु ज्ञान देते हैं, शिष्य के भी मतलब ये नियम होना चाहिए शिष्य के जीवन में, तो उस ज्ञान को अर्जित करके उस नियम का पालन करते, ठीक है। तो आप ही कहने मतलब कि गुरु का होना अति आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए, जो साधक है उसको भी, जो नहीं है उसको भी, आपको भी, आपको सबको, मतलब इस संसार में सबको, सबको एक गुरु होना चाहिए, एक गुरु तो होना चाहिए। उसके ऐसे तो गुरु के नियम है कि 10 गुरु भी हो सकते हैं, लेकिन एक गुरु कम से कम उसके जीवन में होना चाहिए, उस कार्य से जुड़े हुए। जैसे मान लीजिए आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं पॉडकास्ट करना आपको पसंद है, इंटरव्यू लेना पसंद है, आप इसमें किसको अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, किसको अपना गुरु मानते हैं कि हाँ मैं उनसे सीखता हूँ जाकर आगे क्या कर सकता हूँ, या आप अध्यात्म मार्ग में घुसेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी गुरु कौन है, हाँ वही ना बताएंगे कि हाँ तुम्हें काम करो, उत्सुकता तो बहुत जागेंगे, मेरे गुरु गुरुदेव पर वो प्रयोग कर रहे थे, मैंने देखा मैं भी वो करूँगा, कैसे कर लोगे? अरे गुरु तो कब चुका है ना वो कर करके, तुम कैसे कर लो, तब तक गुरु का आदेश नहीं होगा, कब कहाँ क्या करना है। देखो मेरे गुरुदेव, मैंने एक अनुभव किया अपने जीवन में, गुरुदेव से भी सीखा, मैं बहुत उत्तेजनाओं से जब भरा हुआ था हर्षोल्लास के साथ, तो मैं हर दिन कुछ नया सीखने की उत्सुकता से, उनको ये बताइए वो बताइए, कल आप वो कर रहे थे वो चुप रहते थे, कुछ नहीं बताते। आज लोग तो पहले ये बताते थे तो वो नहीं बताते थे, वो चुप रहते थे, बोलते अच्छा ठीक है बताएंगे ना, बताया बढ़ाता तो वो चीज़ उनसे पूछना रहता था, तो मैं किताबों में पढ़ता, मतलब किताब, उन्होंने कहा कि किताबें पढ़ा करो, मैं पढ़ता था तो मुझे मिल जाता था, तो किताबों से बस कुछ आप सीख सकते हैं, हाँ इस प्रयोग के बाद ये कार्य करना,
इसके बाद ये करना, जैसे कि किताबों में लिखा हुआ है ना कि पहले आप आचमनी करें, फिर आसन अपने पवित्रीकरण करें, फिर आसन शुद्धि करें, पवित्री धारण करें, ऐसे करके लिखा हुआ है ना। सबसे पहले क्या है कि आचमनी करें, पवित्री धारण करें, फिर खुद को पवित्र करें, या उसके बाद आप आसन शुद्धि करें, फिर पृथ्वी पूजन करें, उसके बाद शिखा बंधन करें, दिशा बंधन करें, न्यास करें, ये विधि है किताब में। लेकिन इस कार्य को जब हम नित्य दिन करने लगे तो कार्य सिद्ध हो रहा है, सद रहा है, तो साधा जा रहा है, तो फिर उस सब जो अनुभूति है वो आपको अब तो बन रहा है। मैं कह रहा हूँ कि माँ के नवारण मंत्र का उच्चारण ठीक है, या माँ के गायत्री मंत्र का उच्चारण, तो गायत्री मंत्र तो यूट्यूब पे भी लिखा हुआ है, फेसबुक पे भी लिखा हुआ है, गूगल पे भी लिखा हुआ है, तो सब पढ़ रहा है। मंत्र के उच्चारण करने के दौरान में जो अनुभूति होगी वो कौन दे, वो गुरु दे सकता है, अन्यथा कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। वो गुरु बताएगा कि हाँ ये होता है, धैर्य हूँ तुम्हारे साथ। जरूरी नहीं है कि भौतिक वो आपके पीठ पे खड़ा हो, वो कहीं भी हो। आप यहाँ साधना कर रहे हो, हिमालय घूमने चले गए, वहीं से आपके साथ साधक कभी आम मनुष्य में गिनती नहीं होती, सदैव आम दिखाने की प्रयास करता रहेगा, आम लोगों के बीच में ही रहे, पर एक साधक कभी आम नहीं। तो आप ये कहने का है कि एक गुरु जो होते हैं रोड पे कार की तरह होते हैं, ट्रेन स्टेशन की तरह होते हैं, इट मीन्स उनके अगर आपके पास गुरु है तो आप उसी मार्ग पे, पायलट की तरह होते हैं, उनके पास गुरु नहीं है, नहीं नहीं तो आपको भी होता है उसी असर हो जाएंगे तेजी से, और अगर कहीं कहीं रुकना भी पड़े तो स्टेशन होते हैं कि गुरु जो होते हैं वो डायरेक्शन भी होते हैं, वो पायलट भी होते हैं, वो ट्रेन के चक्के भी हो गए, वो बॉगी हो गए, सब हो गए। आप उसमें क्या हो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, आप बस चल रहे हो, आप बस बैठे हुए पैसेंजर हो, जो बस जिधर ट्रेन जा रहा है बस वैसे ही जाना है, कहाँ कब रुकना है, और तो गुरु बड़े आनंदमय व्यक्ति होते हैं। तो एक चीज मैं जरूर सिखाऊंगा कि मन चाहे वैदिक हो तांत्रिक हो, क्रियाएं चाहे वैदिक हो तांत्रिक हो, ये किताबों से पढ़ के तो आप सीख सकते हो, सच्चा गुरु वही है जो उस क्रिया को उस ऊर्जा को अपने शिष्य को कब देना। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही दिन युद्ध के क्यों नहीं दे दिया भागवत क्या, भगवत गीता का दिन पहले दिन तो नहीं दिया था, तो पहले क्या लड़ाई झगड़ा से पहले सबको दे देते, झगड़े नहीं होता, तो जानते थे कब देना उचित, कब देना परम ब्रह्म ठीक है, जगत गुरु शिव तो है ही, वो तो मेरे भी गुरु हैं, ऐसा तो नहीं कि मेरे गुरु हो गए तो मेरे जगत शिव महादेव कहोगे ना ना आप तुम्हारा गुरु गुरु भी चुका, जगत संसार भी गुरु हम कहें जगत गुरु महादेव नहीं नारायण है, गुरु के गुरु तो महागुरु हो गए ना, महादेव के गुरु कौन, पहली टाइम गुरु विष्णु का नाम लेते हैं, नाम नाम लेते रहते नाम, ये तो नारायण ही थी, नारायण को गुरु मान, तो महागुरु नारायण हो गए। अब हम कहेंगे महागुरु महान नारायण ना महादेव हो जाएंगे, तो अब जब नारायण के पास पहुंचे तो महादेव महादेव करते रहते गुरु का। और जब आप सोचिए ना कि जब इस संसार को बनाने वाली शक्ति के संचालन करने वाले संग महादेव या महानारायण या ब्रह्मा सबके जब गुरु हो सकते तो हमारे आपके क्यों नहीं हो सकते, भगवान गुरु बना रहे हैं ठीक है, एक ही दूसरे को बनाया लेकिन बनते हैं, तो आप क्यों नहीं बना, बनाना गुरु होना चाहिए, ये आवश्यक है। गुरु खाने में नमक का होना, गाड़ी में पेट्रोल का होना, जिंदगी में गुरु का होना अति आवश्यक है, गुरु का होना अति आवश्यक है। गुरु लंबा बोल हम किसी मतलब अच्छा लगता है कि मेरे गुरु है, मतलब ये सौभाग्य विस्तार से बताया गुरु का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसे तो बहुत लंबी विस्तार है, इस पे तो फिर कभी फिर बातें होंगी, तो फिर मैं कुछ अलग भी बताऊंगा, कुछ और भी बता सकता हूँ, बहुत लंबी बातें हैं।
मैं आज कैजुअली बता रहा हूँ क्योंकि गर्मी भी बहुत है। हाँ। मैं ये बता रहा हूँ कि गुरु का होना अति आवश्यक है और किसी भी चीज, मैं इतना बड़ा नहीं कि उनकी गुरु शब्द को या महाविद्या के नाम को या देवी के बारे में पूरा व्याख्या कर सकूं, इतना बड़ा मैं हूँ नहीं, इतना बड़ा क्यों। और चूंकि मैं उनका बेटा हूँ तो अधिकारी हूँ, 10 ना बोल के 2 लाइन ही जरूर बोलूँ, लेकिन बोल सकता हूँ, ठीक है ना। बाकी अगर इस पर बोला जाए, माँ के बारे में वर्णन किया जाए, कई रातें कई पन्ने लिखा गए, बात पावन शक्ति पे है, इसका क्या है, उसमें कामाख्या माता का क्या है, वहाँ पे माना जाता है कि वहाँ पे तांत्रिक पूजा बहुत अलग तरीके से किया गया, बहुत कहीं पे 74 भी है, कहीं 108 भी बताई जाती है। तो देखिए अंग और उप अंग, ठीक है ना, तो जहाँ जहाँ माँ के अंग गिरे वो 51 पीठों में आ गए, 52 पीठों में आ गए, कहीं 74 पीठों में। और उप अंग जो अंग से जुड़े हुए चीज होते हैं वो उप अंग, ठीक है ना, ये समझाने की आवश्यकता तो है नहीं, तो आप सब जानते हैं अंग उपंग क्या होता है। 51 पीठों में सभी पीठ सर्वशक्तियात्मक है, जहां भी देवी देवता विराजमान है सब सर्वशक्तियात्मक, लेकिन महाविद्या में मतलब पीठों में कामाख्या माता का जो दरबार है वो अपने आप में अलौकिक और मतलब अरहस्यमय जगह है, मतलब आप वहां जाएं आप अपनी चेतना को भूल जाएंगे, मैंने अनुभव किया है, मतलब कि चेतना को भूल जाएंगे, मतलब आप मेरे, मैं अपने रूप से बताऊं, बाकी माँ क्षमा करे अगर कुछ गलत बोला जाए मेरे से, तो मनुष्य की उत्पत्ति का केंद्र है माँ का मक्खन, पूजा की जाती है, हम मनुष्य आप कहाँ से जन्म, तो जब बच्चा योनि से जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसके अंदर कोई चेतना होती है, लेकिन रोने के अलावा उसके अंदर कोई चेतना नहीं है ना, कोई चिंता नहीं होती, मूर्ख के तो नहीं बोलता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो नहीं होता है उसके अंदर कोई चिंता नहीं, मतलब चित्त सब सब उसके अंदर से गायब होती है, वो शुद्ध आत्मा होता है। वैसे ही जैसे ही आप माँ के दरबार आप जाइएगा ना, मैं देखा हूँ कि मैं जब भी माँ के दरबार जाता हूँ और गर्भगिरी में जब भी मैं गया हूँ माँ के आशीर्वाद से, तो मेरे अंदर कोई चेतना नहीं रही, मुझे किसी ने कहा था कि अभी जाइएगा तो यार पहली बार जा रहा था कहा था कि मेरी वहाँ से ना कहानी नहीं हुई, उसके बाद सुनाऊंगा, तो मैं जब पहली बार जा रहा था तो किसी ने कहा था कि वहाँ जाना, तो वहाँ से मनोकामना मांगना, जब मैं अंदर गया तो मेरे अंदर कोई जब अंदर गया दर्शन के बाहर आ गया, मैंने जा मनोकामना तो मांगा ही, मैंने मांगना था, और वहाँ पे भी मैं ये बात बोल रहा हूँ लेकिन मनोकामना नहीं मांग रहा, उस दरबार में आप कोई मनोकामना नहीं मांग रहे, तो मैं समझने का मतलब बताए माँ मुझे ये चाहिए नहीं भूल सकता है, लेकिन जो आपकी इच्छा उसकी मानी है, और मेरा मानना है ना कि माँ के पास जाके मांग ही लिया तो हृदय में वही माँ ही बसी है, जानती है क्या चाहिए, और वहाँ हाँ मैं ये भी कहूँगा कि माँ मांगी थी हर एक मनोकामना पूरी, मैंने देखा है तो मैंने चाहता हूँ, मैंने कहा ना इंद्र विश्वास और आस्था देखा, मैं अपने आस्था से जाकर वहाँ से वहाँ पर मांगूंगी मनोकामना। और ऐसे कावन पीठों में तो एक और देवी का दरबार, कावन पीठों में नहीं आता लेकिन मैं लोगों को जरूर वहाँ से यही कहता हूँ कि अपने शहर में लोगों को मैं जरूर ये कहता हूँ कि माँ के दरबार से हाथ भी लगाओ, कामाख्या जाओ, आमतौर पर जब एक बच्चे का जीवन कैसा होता है, कॉलेज लाइफ करता है, एंजॉय करता है, घूमता फिरता, पहली बार मेरे पिता मतलब पिता तो मेरे जाते रहते थे, तो साधना करने वहाँ जाते थे,
यहाँ के बहुत बड़े तंत्र साधक पिता बने, कईयों को ज्ञान दिया, कईयों को सही राह सही मार्ग दिखाया, कई उनके शिष्य भी बने। तो उन्होंने कहा कि समय आ गया है, तुमको चलना चाहिए माँ के दरबार। मैं मन में यही सोच रहा था कि उनके साथ जाऊंगा और घूम फिर तो पाऊंगा नहीं, बुजुर्ग सब के बीच में क्या जाऊंगा मैं यंग लड़का। हाँ, तो उसमें हमारे गुरुदेव को बड़ा मैं आसान मन से, मतलब घूमने फिरने वाले लड़के उनके साथ जाना, फिर बंद कमरे में बैठना होगा, पिता है हमारे तो बार बार घूमने भी नहीं निकल सकते हैं। हाँ, जिस दिन उनका आदेश था कि चलना है तो चलना है, सौभाग्य मेरा कि जाने को भी मिल रहा है। वो जो बचपना वाला मेरा आदत था वो मैं सोच के फिर बैठा, मैं गाड़ी में यहाँ से बैठा स्टेशन पहुँचा, वहाँ पर आधे रास्ते पार किया तो वहाँ के जो सुविधा जाग भी गई थी, फिर ट्रेन में लोग वहीं जाने के लिए बैठे हुए, क्योंकि उस समय बहुत अम्बुवाची मेला में आधा उनको लगता है आधा बिहार जाता है, वहाँ पर पूरे देश के लोग आते हैं वहाँ पर। हाँ, बोला ठीक है चलो चलना चाहिए वहाँ पर, सुविधा तो जाग ही रही थी, क्योंकि बहुत मन में आ रही थी कि हमको जाना चाहिए, अब लोग जा रहे हैं तो हम भी, उनको सौभाग्य हो रहा है, मेरा सौभाग्य है कि हमको जाने को मिल रहा है। वहाँ गए, पहुँचे तो वहाँ गए दर्शन करने, तो पहले दिन तो गए तो दर्शन करके आ गए, अपना मंदिर घूम घूम करके आ गए, अपना ज़्यादा बस माँ का दर्शन किए, बात हाँ माँ अच्छा रखना अपने जो बच्चे की बचपना वाली जो शिक्षाएँ होती है, बस अपना आ गए मान कर घूम कर दर्शन करके आ गए अपने मंदिर। तो जहाँ केंद्र बिंदु जहाँ पूजा होती है हमारे पिताजी जहाँ बैठ के पूजा कर साधना करते थे, वहाँ उन्होंने मुझे बैठाया और सब लोग बैठे हुए थे वहाँ साधना कर रहे थे, उन्होंने मुझे बैठाया और मेरे पिट्ठी पे जब उन्होंने हाथ रखा, मतलब रखा क्या, उन्होंने पिट्ठी पे जब मेरे हाथ ऐसे मारा, लगा जैसे कि माँ ने आके बोल दिया कि तुम इसी में रोंटा खड़ा हो रहा है, मतलब मैं आपको सच्चाई बता, मेरे हृदय में आया जैसे माँ बोल रही है कि तू इसी के लिए तुझे आना है, इसका तैयार हो दृश्य वो क्षण भर ही, मतलब उसके बाद जो मेरा मन, तो फिर मेरे पिता ने बोला कि माँ बगलामुखी पीताम्बरी सिद्धपीठ हमारे माँ के दरबार, यहाँ के महंत की उपाधि तुम्हें दे दी जाएगी। हाँ, ऐसे उपाधि हमारे बड़े भाई साहब को भी दी गई, पर पूर्ण रूप से माँ की साधना में उन्होंने मुझे प्रवेश कराया। और लोग बहुत आते हैं तो कहते हैं कि आपको घूमने फिरने वाले लड़के थे, आपका जीवन था, आप म्यूजिक लाइन में थे जुड़े हुए, तो आप इसमें आप, मैं कभी अफसोस नहीं करता, मैं सोचता हूँ कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि देखो जीवन मनुष्य जीवन कहा जैसे शास्त्रों में है, लेकिन मनुष्य योगी पाने के लिए बड़ा जटिल नियमों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी योनियों से पार करके मनुष्य की योनि मिली, पहले तो ही साथ है, मैंने कई योनियां पार करके मैं इसमें आया हूँ, तो हो सकता है मैंने ये साधे जी जीवन तो साथ में हो ही गया मेरा, सौभाग्य देखो मेरा इसी जीवन में माँ का चरण भी मुझे मिला, तो कितना अपने आप में अलौकिक होगा भाई, मतलब कैसे किसी को आनंद नहीं आ सकता, आनंद है बहुत आनंद है, कोई सोचता नहीं है, हमको तो बड़ा आनंद आता है। हाँ, अब कुछ करने को ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं है, मैं हम सभी भक्तों सभी युवाओं को भी कहते हैं कि तुम अपने जीवन में रहो, जो करते हो करो, मैं जीवन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन अपने जीवन का एक नियम बनाओ कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट एक घंटा हफ्ता में किसी एक दिन महीना में चार दिन माँ के दरबार, वो अपने जो भी, तो यही भावना मेरे अंदर वहाँ पे, मतलब कामाख्या में थोड़ा टॉपिक सीधे हो गया, तो कामाख्या में मुझे अंदर आया, उसके बाद मैं वहाँ गया, माँ का आशीर्वाद, पहली बार गया था, पहली बार दर्शन करने को भी मिला मुझे, तो वहाँ गया माँ के अंदर दर्शन किया, बहुत अच्छा अनुभूति हुआ मुझे, वहाँ से आया तो मुझे मन की उपाधि मिली। उसके बाद एक कहानी फिर वहीं की हुई, व्यक्ति होते तो भी बताते हमारे पिता के प्रथम शिष्य हैं, कभी आएंगे तो उनको खुदवा देंगे, वो उस आखिर खड़े थे जब ये इंसिडेंट हो रहा था, वो देख रहे थे, वो भी बहुत मेरे पिता बहुत साधना की, और मेरे पिता के साधना में जैसे मेरे उनके शिष्य थे तो हर साधना में वो बैठ रहते थे वहाँ पर अपने गुरु की सेवा में, तो गुरु शिष्य ही तो देखता है हर कृष्ण, बाकी तो सब अनजान घुमड़े होते हैं। हाँ, तो क्योंकि मेरे पिता गुजर गए, स्वर्गवास हो गया, दिन हो गए तो उनका स्वर्गवास हो गया, तो उनके बाद पहले साल पहली बार उनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी मुझे मिली कि अब आपको भी कामाख्या जाना है, और गुरुदेव जाते थे और साधना करते थे, तो ये एक
समझिए एक प्रकार की रीति है, विधान है, विधि है जो आपको करना चाहिए दुनिया के साथ। उस समय अम्बुवाची मेला में संसार के सारे तांत्रिक, सारे साधक वहाँ पे जमा होते हैं और मंत्रों का उच्चारण होता है और संसार में अति अति ऊर्जावान मंत्र का जो धाराएं बहती है ना, तो देखोगे वहाँ मन मोहित हो जाएगा। उस वहाँ के मौसम में एक अलग अलग मतलब कहना एक नशा बहता है जैसे लगता है मंत्रों को, ऊर्जा की माँ की जो धाराएं बहती है ना माँ के आशीर्वाद कर, वो अलग है, वो बयां नहीं किया जा सकता, मतलब वो लिखा नहीं जा सकता, वो बस देखा और महसूस ही किया जा सकता है या थोड़ा बहुत बयां किया जा सकता है। तो पहली बार गया मैं और आमतौर पर लोग मुझे कहते हैं कि इस उम्र में लोग को महंत की उपाधि नहीं मिलती है, माँ को भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो मैं बताता हूँ, मैं पहली बार गया वहाँ बैठा, मेरे गुरुदेव कहें क्या कि मतलब सब दिन हो गया था, जिस दिन पट खुलने वाला था तो कहा कि अपना आसन आसन बासन ले लो, चलो मंदिर में बैठ के, हम नित्य दिन करते ही होते थे, नित्य दिन करते थे, तुमको चल के मंदिर में बैठना। और कुछ विशेष क्रिया जो हम बता नहीं सकते यहाँ पे, वो भी कहा था वहाँ मैं बैठा हुआ था। तो मेरे गुरुदेव बोले तब तक तुम बैठो, तुम अपना जाप, और वो चले गए, वो नहीं थे वहाँ पे कर, वो अपना बोल करके अपना आगे परिक्रमा करने चले गए। वहाँ परिक्रमा की बड़ी विधान था, बहुत बड़ा महत्व परिक्रमा, वो चले गए, हम बैठ गए, बैठ गए तो अपना जाप कर रहे थे। जाप करके हम बोले कि तुम जाप कर लेना, तो तुम उठ जाना, तुम भी परिक्रमा कर लेना। तो हम अपना जाप संख्या पूरा करके अपना जप जो कर रहे थे जप करके संख्या माँ का ध्यान करके और हम अपना संख्या पूर्ण करके टीका लगा करके हम आगे किया, आसन बासन अपना किसी झूला में रखे तो अपना परिक्रमा करें। वो जो हम थे मेरे पिताजी के शिष्य वो वहीं पर थे, मेरे साथी थे खड़े हुए। देख बुजुर्ग व्यक्ति आए, बहुत बुजुर्ग थे, लाठी लिए हुए, उन्होंने कहा मुझे आकर के कि लोगों की जीवन जीवन निकल जाती है पाने में, मुझे तो माने अभी दे, मतलब महंत का उपाधि आपने शरण में अभी बुला लिया, अपने शरण में जगह दी हो, कि लोगों के तो जीवन निकल जाते हैं, तुम्हें अभी माने ये जगह दिया, कितना बड़ा सौभाग्य है। तो थोड़ा मतलब अलग टाइप के थे, नहीं होता है कि एक मुझे लगा कि कुछ अपने तरफ से उनको देना चाहिए, ये मैं उनको अलग इतनी नहीं करना चाहता, मुझे लगा कि हाँ मुझे कुछ देना चाहिए उनको। मैं जैसे ही झूला में देखा ऐसे घुमा होगा, और बहुत लंबा स्पेस था वहाँ पर, बहुत लंबा स्पेस, हमको तो नहीं लगता कि इतना मैंने देर, मतलब मेरा बैग से मतलब बस ऐसे निकाल के ऐसे दिया होगा मैंने, उतना देर में वो गायब हो गया। वो भी खोज रहे थे मेरे साथ में, कहाँ चले गए पता नहीं। हाँ उन्होंने भी देखा, मैंने कहा पता नहीं कौन आया, किसने ज्ञान दिया, किसने क्या बोला, वो जब बोले तो मेरे उस समय भी रोंगटा भरा खड़ा हो गया। तो उनका बोलने का जो तरीका था, जो वे ऑफ टॉक उन्होंने किया मेरे साथ, मतलब बस वो एक ही मिनट तो उन्होंने मेरे साथ डायरेक्ट आया, मैंने बुलाया नहीं या मैंने रोका नहीं बाबा प्रणाम ऐसे, क्योंकि मैं तो पहली बार गया था, मैं जानता वहाँ पे, और जाने से पहले भी मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि वहाँ जाना तो थोड़ा देख करके, हर किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, वहाँ बहुत प्रयोगात्मक क्रियाएँ होती हैं, झूम टूम बहुत होता है। तो देख झूम टूम होता है, मैं ये नहीं कह सकता ये शब्द गलत, हमने कहा ना कि हर साधक हर मार्ग की अपनी अपनी एक विधि, आप किसके पास जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, या जैसे दांत के भी ऑपरेशन करने वाले को भी डॉक्टर कहा जाता है, फिजियोथेरेपी करने वाले को भी डॉक्टर कहा जाता है, बड़े बड़े बीमारियों के इलाज करने वाले को भी डॉक्टर कहा जाता है, जैसे कैंसर वगैरह के इलाज करने वाले को भी डॉक्टर कहा जाता है, हाँ होम्योपैथी वाले को भी डॉक्टर कहा जाता है, और आयुर्वेदिक देने वाले को दवाई देने वाले को भी डॉक्टर कहा जाता है। वैसे ही साधकीय मार्ग, और आप जान लेना संसार में जो भी नियम चल रहा है, जो भी नियम, चाहे डॉक्टर लाइन हो, इंजीनियर लाइन हो, हाँ क्रिमिनल लाइन हो, या कोई भी लाइन, सब हमारे धर्म से, कोई भी लाइन अच्छा बुरा भला सब नियम से चलता है हमारे। अच्छा कोई भी साधक कोई भी भक्त आता है आकर के मिलता है से पेशेंट जाके डॉक्टर को, पहला नियम मिल गया। कोई भी आचार्य पंडित साधक तंत्र साधु संत पहले उसको जांचते हैं तुम्हें क्या समस्या है, चाहे कुंडली से जांचे, चाहे उसके हाव भाव से जांचे, या चाहे उसके व्यवहार से जांचे, चाहे उसके योग से जांचे, डॉक्टर भी जांचता है। दूसरा नियम मैच कर गया,
जांचने के बाद जो निवारण आता है कि हाँ आपको ये समस्या है, आपको ये बात है, जैसे भक्त या समस्या धारक जो समस्या में है, जो माँ के दरबार में या देवी के दरबार कोई भी जाता है तो बताता है कि हाँ ये समस्या है मेरे अंदर जो आपने बताया है, वैसे पेशेंट भी बताता है हाँ है। तीसरा चौथा करने के बाद समस्या आने के बाद निवारण बताता है, साधक साधु संत निवारण बताता है, आप अनुष्ठान करा लीजिए, आप अभी हवन कीजिए, या आप ये विधि कीजिए, या आप ये प्रयोग कीजिए, चाहे आप ये कीजिए, चाहे वो डॉक्टर भी बताता है, आप ऑपरेशन कीजिए, चाहे आप इंजेक्शन ले लीजिए, चाहे आप दवा लीजिए, चाहे कुछ भी। और सबके बाद जब सब हो जाता है, दक्षिणा तो पैसा देने का विधान है ना, जैसे पूजा पाठ में भी दक्षिणा देने का विधान है, खर्चा का विधान है, कोई भी आपके लिए आत्मोन्नति के लिए कर रहा है, उसको भी तो बड़ी बात चला रहा है। सारा संसार का नियम भगवान के ही नियम होता है, और मॉडर्नाइजेशन में इसे कहते हैं कि नहीं ये नियम है, तुमने सब जो भी नियम उठाए हमारे धर्म से, दूसरे को इधर दूसरे को ऐसे नहीं लाया, बाप दादा ने तुम्हारे ऊपर कट करके गए, हाँ देखो ऐसे पूरा नहीं माना, पर ऐसे भूल बैठते हैं, लेकिन कोई भी धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, है ही नहीं। होगा तो हमको बुला के बात कराओ, तो हम जरा बात करें कौन सी बड़ा है बताओ, धर्म से बड़ा कोई नहीं। और तुम कहोगे कि भगवान भगवान ही धर्म है, हम कह रहे हैं ना, तो धर्म शाश्वत है, शाश्वत भगवान है, मेरी माँ धर्म है, मेरी माँ धर्म, धर्म की उन्नति उन्हीं से प्रकटि हो रही है, धर्म की उत्पत्ति माँ से हुई, बस मैंने मान लिया कि तुम हमको झुटला दो, हमको गलत साबित कर दो, अब हम तुमसे बहस नहीं करना चाहें वो अलग बात है, लेकिन झुटला गलत नहीं साबित करता। हमारा जवाब इस सिलसिले के बाद इस बार और पूछो पूछो भैया, जब भी हम यहाँ आए बहुत लोगों से भी सुना है और हमने भी ये महसूस किया कि यहाँ पर तांत्रिक विधि से भी पूजा की जाती है, या यहाँ किन किन तांत्रिक पद्धतियों से पूजा की जाती है, इसके अर्थ में बता दें किन किन तांत्रिक पद्धति की, मतलब सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बता देता हूँ कि माँ बगलारु की यहाँ प्रधान है, माँ दस भुजा में विराजमान है, जो मणि रचित मंडप में पंच प्रेत आसन के ऊपर सदासिद्ध के नाभि से ब्रह्म कमल आसन पर विराजमान है। और यहाँ के अलौकिक रूप माँ की ये है कि माँ दस भुजा में विराजमान और माँ के समक्ष सहस्त्र दल यंत्र, सहस्त्रदल यंत्र की व्याख्यान को भी यंत्र ग्रंथों में मिलती है, आम किताबों में आप खोजिएगा आपको नहीं मिलेगा। और ये जगह सैकड़ों साल पुरानी है, सैकड़ों साल पहले, सौ साल पहले माँ की यहाँ माया विराजमान हुई, चूँकि माँ बगलामुखी जो हमारी कुल देवी, हमारे पूर्वज भी माँ की, माँ के यहाँ विराजमान, तब से माँ की यहाँ साधना पूजा की जाती है। पर जब हमारे पिता यहाँ के महंत बने, जब उनको यहाँ का भागदौड़ मिला, तब उन्होंने उनकी इच्छा ऐसी कि द्वार सभी भक्तों के लिए खुला था, पहले नहीं खुला हुआ था, पहले से हमारे घर परिवार के लोग या कुछ चुनिंदे लोग आके पूजा करते थे। बहुत जब यहाँ मेरे पिता जब यहाँ भागदौड़ संभाले, तब उनकी इच्छा हुई कि ये द्वार सबके लिए खुला जाए, तब से ये द्वार खुला जाए। और यहाँ पर माँ का जो स्वरूप है, स्वरूप की ऐसी ऊर्जा है कि यहाँ मांगी गई हर एक मनोकामना माँ भक्तों की पूर्ण है। और यहाँ माँ की पूजा वाम मार्ग एवं दक्षिण मार्ग से भी की जाती है, एवं सावर मार्ग से भी की जाती है। सावर मार्ग माँ का एक ऐसा मार्ग है जो मतलब कि जैसे दो देश लड़ रहे हैं, अब कोई उपाय नहीं बचा जीतने का, तो न्यूक्लियर वॉर किया है ना, वही है सावर मार्ग। ऐसे माँ के एक मंत्र में इतनी ऊर्जा है कि इस ब्रह्मांड को फाड़ सकते, बीचों बीच माँ बगलामुखी का रूप ही अपने आप में अलौकिक और अचंभित करने वाला। जब आप उनको देखते हैं, जब आप उनको स्मरण करते हैं, तो आपके मन में बहुत ऐसी भावनाएं, बहुत ऐसी बातें उठती हैं, आती हैं, जो आपको सोचने पे आपकी चेतना को इतना उजागर कर देती है, इतना
विचलित कर देती है कि आपके मन में चुपता जाती है कि और जान सकते। जैसे आप पूछने आए तो आपके ही मन में बहुत सारी बातें हैं, 10 क्वेश्चन बना करके आए होंगे या 10 सवालों लेकर 10 सवाल को लेकर के आए होंगे। तो जब भी लोग आते हैं यहाँ पर तो वो 1-2 सवाल नहीं पूछते, वो बहुत सारे सवालों के बीच में आते हैं। तो ये यहाँ का अपना एक रूप है। अब यहाँ के विशेष रूप से मैं आपको यहाँ के बारे में बता दें कि माँ बगलामुखी यहाँ 10 भुजाओं में विराजमान है, जो 10 महाविद्या का भी प्रतीक है। और माँ के समक्ष जो यंत्र की विशेषता ये है कि उस यंत्र पे बैठ कर 108 विद्या 108 महाविद्या, विशेष रूप से ग्रंथों में 10 महाविद्या का उल्लेख है। तो 10 महाविद्या या समस्त ब्रह्मांड में 7 करोड़ मंत्र का उल्लेख भी किया गया है ग्रंथों में। 7 करोड़ मंत्र, किसी भी मंत्र को गुरु आदेश के द्वारा, अगर आप गुरु इच्छाएं आप अधिकारी हैं और उस मंत्र को उस यंत्र पे बैठ करके आप अगर साधते वो मंत्र सिद्ध है। और सिद्ध मंत्र तो सिद्ध होता ही होता है, वो मनुष्य भी सिद्ध होता है। मैंने कहा ना कि जैसे मिट्टी का घड़ा दोबारा मिट्टी नहीं हो सकता, दूध का पट्टा पनीर कभी दोबारा दूध नहीं हो सकता, वैसे मनुष्य साधक होने के बाद आम मनुष्य फिर नहीं हो सकता, इसकी सोच उसकी वृद्धि अलग हो जाएगी लोगों से। तो यहाँ ये अलौकिक रूप। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं, चूँकि मैंने भी पूर्ण रूप से सब जगह भ्रमण नहीं किया है, कुछ साधक तो ये भी कहते हैं कि कारू कामाख्या के बाद ये ऐसा स्थल है जहाँ तंत्र मंत्र और यंत्र की तीनों साधना की जा सकती है। ऐसे ये सत्य में कारू कामाख्या के बाद है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन तंत्र मंत्र और यंत्र ये तीन साधना है माँ के द्वारा। अगर आप माँ जब साधना पथ के आप आगे बढ़ते हैं तो आपको 3 साधनाओं के बारे में बताया जाता है, तंत्र मंत्र यंत्र, ठीक है। ये तीनों साधना आप यहाँ कर सकते हैं। इस दरबार की अपनी एक विशेषताएं, इस यंत्र पर बैठ के जो मनुष्य जिस भी मंत्र को साधेगा, सिर्फ नाम मंत्र को भी अगर साधने बैठेगा तो नाम मंत्र को और देवी साक्षात उसको आशीर्वाद देगी। क्योंकि आप हम लोग मनुष्य अभी उस लायक नहीं है, उस योग में नहीं है जो माँ उसके सामने आएगी। तो माँ जब आएंगी तो वो आप ऊर्जा देख नहीं पाएंगे, आप माँ को देखने आ ही नहीं पड़ पाएगा। बच्चों को यहाँ आशीर्वाद और हर जगह, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ भक्तों को कि हर दरबार का, जैसे गरीब स्थान है या राजा, हर दरबार का, राजा राजेश्वरी देवी मंदिर हो गया, माँ बगलामुखी मंदिर हो गया, श्रीमती का हर दरबार का, या माँ तारापीठ हो गया, माँ कामाख्या हो गया, वैष्णो देवी हो गया, हर दरबार का अपना एक आध्यात्मिकता है, अपना एक धार्मिक नियम है और वो अपने आप में सर्वशक्तिमान है, ठीक है। यहाँ भक्तों को आने की विधि मैं जरूर ये बताता हूँ कि यहाँ जो भी भक्त आते हैं यहाँ आकर के माँ को जोड़ा, कम से कम जोड़ा दही हल्दी का प्याली माँ बगलामुखी को जरूर रखें। माँ के मंदिर में आप प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि माँ के दरबार के ऊपर, मतलब माँ के जो छत है, छत के ऊपर श्री हरिद्रा गणेश विराजमान है। तो आकर के हरिद्रा गणेश को दही हल्दी का प्याला, दुभी का माला अर्पित करें। माँ उसके बाद माँ बगलामुखी को दही हल्दी का प्याला अर्पित करें। फिर पीछे काली माता है तो एक तंत्र स्थान पर माँ बनी हुई है जहाँ पे तंत्र साधना की जाती है, वहाँ सबको जाना अलाउ नहीं होता क्योंकि वहाँ हमने कहा ही ना कि आप वहाँ पे अनेक प्रकार की ऊर्जाएँ विचित कर रही हैं, मतलब विचर रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं। तो आपको ये भी रहता है उससे बचना है भाई, आपको तो नियम नहीं पता कैसे बचना है। तो ऊपर में भी दक्षिणेश्वरी काली का बना हुआ है, वहाँ पे माँ को लाल दही हल्दी का प्याला चाहिए, लाल प्याला सिंदूर का, दही और लाल सिंदूर डाल करके फूल उसमें रख करके माँ को प्याला अर्पित किया जाता है, उसको लाल दही कहा जाता है। और देवी का वरदान है भैरव बाबा को कि बिना तुम्हारे दर्शन किए कोई मेरा दर्शन करेगा, मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारा दर्शन करना अति आवश्यक है, उसके बाद भी मेरा दर्शन करना अति आवश्यक है। माँ ऐसा माँ का ही वरदान आशीर्वाद भैरव जी को। तो माँ बगलामुखी के दर्शन करने हेतु ही दौरान माँ महाकाल भैरव का दर्शन करके फिर जो माँ बगलामुखी के दर्शन करता है उसकी मांगी हुई मनोकामना पूर्ण होनी ही होनी है। समय चाहे जो लग जाए आपके जीवन में लेकिन वो पूर्ण होगा, वो विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति करता है। और माँ के दाहिने ओर जब माँ को आप देखते हैं तो माँ के दाहिने ओर माँ त्रिपुर सुंदरी है और बाएं ओर माँ तारा है। तंत्र विद्या की देवी, तांत्रिक विद्या तंत्र विद्या की देवी माँ तारा रानी को माना जाता है, तांत्रिकों की देवी माँ तारा रानी। तांत्रिक पद्धति में माँ तारा रानी की साधना
उत्कृष्ट मानी जाती है। तंत्र की देवी बगलामुखी भी, लेकिन तांत्रिक पद्धति में प्रवेश करें क्योंकि हमने कहा ना एक ही पराशक्ति सभी रूप में विचित, बस उनका प्रकट होने का रूप अलग नहीं है, मतलब वजह अलग है, उनका रूप अलग है, कहीं त्रिपुर सुंदरी है, कहीं काली है, कहीं बगलामुखी है, कहीं माँ तारा है, कहीं लक्ष्मी है, कहीं सरस्वती है, हाँ तो ये रूप अलग अलग है उनका, कहीं दुर्गा माता भी है, तो रूप अलग अलग है, बाकी है ही एक ही पराशक्ति सब में वास करती है। तो माँ बगलामुखी के दाहिने ओर माँ त्रिपुर सुंदरी है जो श्री विद्या यंत्र के साथ विराजमान है, और माँ तारा रानी है जो महाविद्या यंत्र के साथ विराजमान है, ये भी अपने आप में त्रिगुणात्मक शक्ति बनता है। इसलिए इस दरबार की अपनी एक नियम है कि यहाँ पे माँ सात्विक राजसी एवं तामसी तीनों गुण मिले, वो भी अपने आप में, वो भी अपने आप में अलौकिक। दूसरा माँ को, माँ के जो दाहिने ओर सेनापति जब माँ बगलामुखी का निवारण करने निकलती है, यहाँ की एक विशेषता ये भी है कि माँ के दाहिने ओर बजरंग बली और माँ के बाएं ओर महाकाल भैरव। अब आप सोच लो किसी भी युद्ध में महाकाल भैरव और बजरंग बली विराजमान है, कौन भी युद्ध, तो उसके विपक्ष कौन है जो जीत जाएगा? कोई नहीं। बजरंग बली भी महादेव के अंश है, महाकाल भैरव, ऐसे महाकाल भैरव को लोग महादेव का अंश मानता है, पर मेरा मानना है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंश है। महाकाल भैरव जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंश, यानी तीनों के रूप के अंश हैं महाकाल। और माँ के पीछे बता ही दिया हमने काली माता है, और उसके पीछे महादेव स्वयं कांतेश्वर शिवलिंग रूप में विराजमान लिंग है वहां पे। और माँ को यहाँ की विशेषता एक और बात है कि यहाँ पे मांगी हुई मन्ता सभी भक्तों की पूर्ण होती है, उसकी विधि ही है। बहुत लोग कुछ जानना चाहते हैं कि यहाँ मन्ता कैसे बांधा जाता है, आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, मतलब आपके द्वारा, आपके लिए बता दे रहा हूँ कि आपके द्वारा लोग जान जाएंगे आपकी वीडियो के द्वारा, कि जो भी भक्त यहाँ आए सबसे पहले कि दही हल्दी का जोड़ा माँ को अर्पित करें, और उसके बाद एक चुनरी, लाल चुनरी, पीला चुनरी, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी बता सकती है, जो आपकी इच्छा है, ठीक, वो चुनरी लेकर के जाएं, पहले दही हल्दी का प्याला चढ़ाएं, नारियल फोड़ करके माँ को अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें, तो ये आपकी अपना आपने चढ़ा दिया। और जो मन में मंदिर के गर्भगृह में जो पुरोहित हैं बैठे हुए, जो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं माँ को, उनको जाकर के कहें कि माँ के हमको मन्ता बांधना है, तो वो पुरोहित मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके सुरक्षा सूत्र और चुंदरी को माँ के चरणों में चढ़ा करके सटा करके, मतलब अर्पित करके, उसके बाद यहाँ बाहर नीम के पेड़ में उसको बांधा जाता है। नीम के पेड़ के पास जो पुरोहित सेवा दे रहे हैं, उस पुरोहित के द्वारा उनके नाम गोत्र से परिवार में जो समस्या, उस समस्या का स्मरण करके रख करके कि समस्या के निवारण हेतु वो मन्ता बांधते हैं। हाँ, और उसके बाद भक्त 27 बृहस्पतिवार या 27 मंगलवार या 27 शनिवार आ करके माँ को यहाँ दही हल्दी का जोड़ा प्याला अर्पित करें। किसी कारणवश कोई बृहस्पतिवार या कोई मंगलवार या कोई शनिवार छूट जाता है, तो अगला जो बृहस्पतिवार आप किसी दिन आते हैं, अगला जो जिस विधि पे नियम तिथि पे आप आते हैं, उस तिथि पे जो छूटा हुआ उसका प्याला जोड़ करके माँ फिर अर्पित करें। मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ का नियम है कि 27 प्याला, 54 प्याला या 108 प्याला या 1008 प्याला, ऐसे 27 प्याला बताया जाता है, लेकिन आपके यथाशक्ति पे लोग 1008 की प्याला चढ़ाते हैं, यथाशक्ति अपने जो हो सकता है वो करते हैं, लेकिन 27 प्याला एक बड़ा चुंदरी। उसके बाद उस दिन माँ का श्रृंगार करवाते हैं वो भक्त, क्योंकि आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है, तो भक्त श्रृंगार का मनोकामना मांगते हैं, फिर माँ का यहाँ श्रृंगार कराया जाता है। उसी दिन आकर के, जिस दिन आपका श्रृंगार का तिथि होगा दर्शन करने का, उस दिन आकर के माँ को दही हल्दी का प्याला अर्पित करते हैं और माँ को चुंदरी ओढ़वाते हैं। उसके बाद जो मनोकामना, ये नियम पालन करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कुछ लोग अब यथाशक्ति देने वाले की कुछ भी हो सकती है, कोई अरबोपति है तो अरब खर्चा कर सकता है, कोई अपने यथाशक्ति से 5 रुपया भी खर्चा कर। इस दरबार में ये नहीं है कि आप यही कीजिएगा तो आपकी मनोकामना, नियम जो है वो मैंने बता दिया, लेकिन आप अपने यथाशक्ति भाव से अगर एक लड्डू, मतलब जोड़ा लड्डू भी माँ को अर्पित करते, मैं बस यही कहता हूँ कोई एक ना चढ़ाए, कभी भी चढ़ाए तो जोड़ा चढ़ाए। हाँ, क्योंकि जीवन में एकांत होना अच्छी बात है, क्योंकि एकांत मनुष्य भी एकांत नहीं हो सकता, उसके साथ ईश्वर करे, तो आप ईश्वर को अपने से, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने से अलग मानिए, लेकिन आपके साथ कोई है, आप ही के हृदय में वो बसे हुए हैं, वो भी विराजमान है। हाँ, तो आप अकेले कभी नहीं हैं, स्मरण करते रहिए, माँ के दरबार में आते रहिए, और
केस मुकदमा शत्रु पीड़ा या हमने कहा ना भूत प्रेत के साथ किसी भी प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है, उस प्रभाव से उस समस्या से निवारण हेतु माँ बगलामुखी के दरबार में आकर ये नियम का पालन करें, माँ का अनुष्ठान करवाएं, माँ का पूजा पाठ करें, समस्या से निवारण मिलता है। और जिनको कुछ नहीं आता है, हमने कहा ना पंच साधनाओं में एक साधना हृदय साधना, ये हृदय भक्ति साधना, और भक्ति साधना से बड़ा कोई साधना नहीं होता। मतलब सब साधना बड़े होते हैं लेकिन भक्ति साधना एक ऐसी साधना जिसमें कोई नियम नहीं होता। तो आप अपने हृदय से माँ को हाथ जोड़ के भी नमन करते हैं, वो माँ स्वीकार करती हैं और आशीर्वाद देती हैं, आपको समस्या से निवारण होता है। जिस प्रकार से कामाख्या में और भी कई मंदिरों में बलि चढ़ाई जाती है, तो क्या हमारे यहाँ जो बल्लभ मंदिर है, क्या वहाँ पे भी हम भक्तों के द्वारा बलि चढ़ाई जा सकती है? देखिए, बलि चढ़ाना माँ स्वीकार करना, पर ये भी एक ही नियम है ग्रंथों में कि उसका हानि भी लगता है। लेकिन बलि वही है जो बलशाली वही देता है जो बलशाली। इसको आप ऐसे समझें कि उस जीव जो जीव पशु योनि में विचरित कर रहा है उसे पार नहीं पा रहा है, देव रूप से तो ये भी माना जाता है कि उस योनि से उसको मुक्ति दे करके अपने धाम माँ उसको उस आत्मा को अपने धाम ले जाती है और उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, माँ बगलामुखी को वैकुंठ पददायिनी भी कहा जाता है, सर्वसिद्धेश्वरी भी कहा जाता है, सिद्धि पद प्रदायिनी भी कहा जाता है। ठीक है, तो दी जाती है बलि की सबसे अच्छी नियम, पहला नियम ये है कि आपने कहाँ माना है वहाँ दी जाती है। और उसके देने के दौरान में उसकी बहुत सारी विधियाँ हैं, विधि है जो विधि का पालन करके दिया जाता है, जब तक नहीं दिया जाता। उसका विधि का पालन कहीं कहीं रोज दिया जाता है, कहीं कहीं सिर्फ नवरात्र में दिया जाता है, जैसे यहाँ नवरात्र में नवमी के दिन दिया जाता है, सत्यष्टमी नवमी ये तीन दिन ज़्यादा यहाँ मानता है, आसिन नवरात्र में। और यहीं की मानी भी अगर मनोकामना है तब, और माँ ने मनोकामना पूर्ण किया है तब दिया जाएगा। ठीक है, उस दौरान में भी बहुत सारी विधि है जो उसको दिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि एक वही विधि है मनोकामना की मांगने की। बहुत भक्त ऐसे होते हैं जो ये भी मनोकामना मांगते हैं कि माँ अगर मेरा ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगा तो मैं लंगर करवाऊँगा, या मैं आपके दरबार में ये भेंट अर्पित करूँगा, मैं, या बहुत लोग ये मानते हैं ना कि मैं आपके दरबार में दंड दे करके आऊँगा। दंड दे के लोग कैसे जाते हैं, दंड देकर क्या आऊंगा, या मैं अपने घर से खाली पैर पैदल आऊंगा। तो जैसे आपकी यथाशक्ति, जरूरी नहीं धन से ही, तन से भी बोल रहा हूँ मैं कि तन से भी आपकी, जैसे कि बहुत भक्त बोलते हैं कि बाबा मैं तो खाना खा लेता हूँ तो मैं पूजा कैसे करूँगा देवी की। कहाँ देवी बोली है कि तुम खाना खा लोगे तो हमसे पूजा मेरा पूजा ही नहीं कर सकते, कहाँ बोली इधर बताओ। नियम है कि सह करके फलारी करके किया जाना चाहिए, लिखा हुआ ये भी, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ वही कर सकता, ये नहीं कर सकता। आप ही देवी कर सकते, देवी की सबसे अच्छी, माँ की तो सबसे अच्छी बुला रहे लाख नारायण जाएगी अभी माँ, तो वो कर सकते हैं आप, ऐसा कहीं नहीं है। इस कारणवश बहुत भक्त है जो माँ का अनुष्ठान पाठ नहीं करते करवाते, नहीं हमको तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होता। तो देखिए, नहीं बर्दाश्त होता है तो एक निश्चित समय तक तो होता होगा ना बर्दाश्त। अब सुबह उठिए स्नान ध्यान कीजिए, सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, अपने घर में अगर आपके आसपास में कोई मंदिर नहीं है ऐसा तो हो नहीं सकता कि आसपास में मंदिर ना हो देवी का। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ 2 किलोमीटर पार नहीं करना पड़ सकता है आपको मंदिर खोजने के लिए। देवी हर जगह विराजमान है या देव हर जगह विराजमान है, ऐसा कहीं नहीं है कि देवी के दरबार में ही जाकर के देश दुर्गा सप्तशती की पाठ की जा सकती है, या माँ बगलामुखी का सहस्त्रनाम का पाठ हो सकता है, या ऐसा कहीं नहीं है कि महामृत्युंजय का जाप सिर्फ देव के दरबार में किसी वाले में हो सकता है। वो एक लगाव है कि मैं महादेव का नाम ले रहा हूँ तो मैं महादेव के दरबार में हूँ, या मैं माँ बगलामुखी का नाम ले रहा हूँ तो मैं माँ बगलामुखी के दरबार में हूँ। एक अपनी सोच हो सकती है, लेकिन आप यहाँ लाखों लोग महामृत्युंजय का जाप कराते हैं, सफलदायक नहीं होता है क्या? होता ही है। इसके घर के आसपास देवी का नहीं है कि हम देवी के दरबार जा सके, वो अपने घर पे माँ बगलामुखी का जाप नहीं कराता, चूंकि माँ बगलामुखी का जाप या माँ बगलामुखी का मंत्र, चूंकि माँ बगलामुखी पूर्णता तंत्र 10 महाविद्या पूर्णता तंत्र देवी, ठीक है ना, ये पूजा वैदिक वैष्णव से तो होती है लेकिन तंत्र है पूर्ण। इनकी पूजा तांत्रिक पद्धति से ज्यादा की जाती है, और तांत्रिक पद्धति के अंदर बहुत सारे नियम देखा ना, मांस बहुत सारे नियम है जो मांस मदिरा से भी पूजा होती है चढ़ाते हैं लोग, या जरूरी नहीं कि जो मांस मदिरा चढ़ाते हैं वही तांत्रिक पूजा करते हैं, वो बहुत लोग नहीं भी चढ़ाते हैं, वो अपनी विधि से करते हैं, बहुत सारे नियम है।
वो अपने अपने नियम विधि से की जाती है। हमने कहा ना कोई भी विधि जाता माई के चरणों में वो नदी किधर से भी खून हो जाएगा आखिरी में समुद्र में जाता ही है ना। गंगा कोई भी नदी का धारा कहीं भी खून करके आखिरी में तो वहीं जाता है। तो वैसे ही एक विधि है कि कहीं भी जाए जाना माँ के चरण में ही है। और कोई भी अनुष्ठान अगर आप करना चाहते हैं आप या कोई भी पूजा आप करना चाहते हैं तो मैं सदैव सबके भक्तों को कहता हूँ कि आप सही स्थान का चयन करें। इससे आपको बाद में कहना कि मैं थका गया मैं लुटा गया ऐसा, और जरूरी नहीं कि आप कोई पूजा कर रहे हैं उसका फल आपको आज मिले। जब आप पूर्व जन्म का प्रारब्ध आज जी सकते हैं, इस जन्म में जी सकते हैं, तो हो सकता है इस जन्म का फल आपको अगला जन्म में भी मिले। हाँ, या आप कोई समस्या में फंसे हुए हैं, आप पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं कि माँ मुझे समस्या से निवारण चाहिए, निवारण हेतु तो आप कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, हो सकता है कि साल भर तक आपको उसका निवारण नहीं मिला और आपके मन में तो शंका आ गई कि वहाँ गए थे फलना बाबा बताए थे कि फलना लोग बताया था या चिलना लोग बताया था कि ये करो वो करो निवारण हो जाएगा तुम्हारा, नहीं कुछ हुआ। और आप जाते हैं उस दरबार में और खड़ी खोटी सुना करके आ जाते हैं और आप देखते हैं कि दो एक हफ्ता दो हफ्ता के बाद आपका वो कार्य हो गया, आपके अंदर तो बलानी आ गया कि अरे व्यक्ति ने बोला तो था ही ठहरे रखना हो जाएगा, तुम ठहरे नहीं रहते। किसी भी पूजा पाठ में किसी भी कार्य में अगर आपका विश्वास नहीं है आपका वो कार्य कभी कभी पूरा नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आपसे गाड़ी नहीं चल सकती, आपको दुनिया का सबसे बड़ा राइडर सिखा रहा होगा गाड़ी चलाना आप, अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप क्रिकेट के दौरान खेलने के दौरान में उस गेंद को फेस नहीं कर सकते तो दुनिया का सबसे कमजोर बॉलर भी आपको गेंद कराएगा आउट कर देंगे। आपको विश्वास नहीं है किसी भी पोडियम पे खड़ा होकर के मैं स्पीच नहीं दे पाऊंगा, दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति भी बैठा हुआ होगा आपके सभा में वो भी आपको हंस के चला जाएगा। आपको विश्वास होना चाहिए, अगर आप अपने आप बिलीव अपने आप पर विश्वास अपनी आस्था पर भरोसा नहीं रखते आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है हमारे कर्मों में कि अपने इष्ट पे विश्वास सदैव रखना चाहे हालात कैसे भी, और मैं रखता हूँ मैंने देखा और ये मैं देखा मैंने देखा वो रहती है वो है मेरे साथ हर पल। जो महादेव को पूछता महादेव उसके साथ हर पल, तुम मानो ना मानो तुम नहीं मान लो तुम्हारी मूर्खता है, जिस दिन मान लोगे उस दिन तुमको साक्षात प्रत्यक्ष बना देंगे कि देखो हम है तुम्हारे साथ। अरे बात बताओ तुम अगर मान के चलो तुम्हारे साथ अगर इष्ट नहीं है तो अगर मेरे साथ इष्ट नहीं होती तो कैसे तुमको लगता है हम यहाँ आके, हम सब बात छोड़ो एकदम क्या इसको बेतुके में ही ले लेना लेकिन इस बात को पकड़ो कि तुमको कैसे मन करता कि हम यहाँ जाके फिर से एंटर ले। वो है वो बैठी है साथ में एकदम साथ में रहती है कि माँ का बेटा है हम लोग। थोड़ा हम लोग का अलग एक चीज हम अपने से बता देना चाहते कि जो पूजा करता है ना देवी की पूजा करता है जो माँ उनका ना मतलब कि उन लोगों का ना हम लोग का थोड़ा सोच अलग होता है, हम लोग थोड़ा उस पर टांग नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों का मन हम लोग का जवाब थोड़ा अलग निकलेगा लोग उतना देर में तुम्हें समझ में आया होगा थोड़ा हम लोग अलग हम लोग से तो कहेगा ही नहीं हम जाएंगे हाँ है ऐसे नहीं है भैया। जैसे किसी ने पूछा था हमें याद है वो याद आ रहा है कि वशीकरण नहीं होता, कैसे नहीं होता, अगर नहीं होता तो देवी के सत्कर्मों में वशीकरण का विधान कहाँ से आता, पर वशीकरण उसी पर कार्य करता है या वशीकरण उसी को करना चाहिए जिसको उसका पूरा। अगर हम आपसे वशीकरण कर रहे हैं और आप अपने इष्ट पे प्रबंध मैं वशीकरण करके फेल हूँ मतलब वशीकरण आपके मैं फेल नहीं हूँ लेकिन वशीकरण आपके नहीं हूँ, जो अपने इष्ट का अपने प्रभु का अपनी माँ का चाहे आप देवी की पूजा कर रहे हैं देव की पूजा कर रहे हैं किसी की, अगर आप अपने इष्ट अपने गुरु अपने कुल देवता पर विश्वास करते हैं उनका नाम स्मरण मतलब अपने इष्ट का आप नाम स्मरण करते हैं हाँ दुनिया से बड़ा साधक आपकी हस्ती नहीं कर सकते क्योंकि आपके साथ एक संस्कार जुड़ा है। हम कहते हैं ना कि गंगा में नहाया तो पाप धुल गए, नहीं गंगा में नहाने के बाद पाप धुलते हैं और पाप धुलने से और गंगा के नहाने के बीच में एक विचारधारा बनना, जब आप जाते हैं गंगा के नदी के तट पर तो आप देखते हैं कि कहीं एक साधु बैठ करके ध्यान में मग्न है, देखते हैं कि एक आचार्य बहुत विधि के साथ अपने गंगा में स्नान कर रहा है, कहीं आप देखते हैं कि एक पंडित बड़े अच्छे मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, कहीं आप देखते हैं कि एक साधक
गंगा की तरफ देख रहा है और माँ को स्मरण कर रहा है, साधना में लीन है, मंद मुस्कान के साथ आपके अंदर एक अच्छे विचार आते ही आते, जैसा रंगत वैसा संगत। और तंत्र पद्धति भी गलत नहीं है, वैदिक पद्धति भी गलत नहीं है, कि कोई पद्धति गलत नहीं। किसी ने कहा कि संसार के आधार श्री गणेश, किसी ने कहा देवी है। अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं, संसार का आधार मूल देवी है, सब बात एक तरफ कर दूंगी, कैसे भुला दूंगी तुम जन्मे माँ के घर से। अगर मैं ये कह दूँ कि संसार माँ के गर्भ से जन्मा, भुला तो नहीं रह सकते भाई, नैतिकता है। लेकिन गणपत संप्रदाय में कोई कह देगा कि हाँ नहीं, गणेश ही संसार के मूल आधार है, पंच शक्तियों का उन्होंने क्या बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य और शक्ति का माँ का माधुर्य का उन्होंने अति किया, क्या बोलते हैं, पंच देवता नहीं बोल रहे, पंच शक्तियों में बोल रहे हैं। अगर कहें कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और सूर्य का मैंने उन्होंने अति किया, क्या बोलते हैं, उन्होंने उत्पत्ति की और उसके बाद छठी शक्ति में खुद आए, तो ये भी हो सकता है। सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, सभी के अपने अपने मत है, कोई एक मत पे नहीं निर्धारित कर सकता कि भगवान कैसे हैं। कि देखो, हम तुमको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं कि सत्यम, मेरे मुझसे कोई पूछेगा कि आपने सत्यम सांडिल्य को कब देखा, मैं कहूँगा ना फलाने तारीख को मैं पूजा पे बैठने जा रहा था, उससे चंद मिनटों पहले एक लड़का आया मेरे से बात किया, मैं तब से जानता हूँ। लेकिन यही सवाल तुम्हारे किसी मित्र से पूछेगा जो तुम्हारा बचपन का दोस्त, उससे पूछेगा तुम सब, अरे मेरे साथ बैठता था, नाक से पानी बहते रहता था, पैंट ऐसे टाइट हो जाता, एक अपने विधि को अपना तरीका बताएगा। माँ से पूछा जाएगा, माँ बाप से तो बोलेंगे कि अरे मेरे साथ दंगा पंगा जन्म लिया। लोग होते हैं ना कि बेटा तू आज बड़ा हो गया, नहीं कहते हैं कि बेटा तू तो आज बड़ा हो गया, अपने सामने तू नंगा होकर घूमता था, दौड़ता भागता था, चचा चचा घूमता था। तो भगवान ही यही है, जिसने जैसा भगवान को जब जहाँ देखा उसने वैसा ही व्याख्या किया, उससे अतिरिक्त कोई नहीं बताया, उससे अतिरिक्त कोई बता भी नहीं सकता। और इस संसार में मेरा मानना है कि पूर्ण रूप से सही विधि से कोई पूजा नहीं करता, और मानो तो सब विधियाँ ही पूर्ण, पूर्ण रूप से सही विधि से कोई पूजा नहीं करता, मानो तो जो उसने किया वही विधि पूर्ण, वही विधि पूर्ण है, वही सही, सब ऋषियों का विधान है, सब ऋषि अपने अपने रूप से पूजा की है, सभी ऋषियों को सिद्धियां प्राप्त हुई ना। तो क्या मान के चलो किसी ने माँ दुर्गा की पूजा की, किसी ने माँ काली की, किसी ने माँ तारा की, किसी ने माँ बगला की, कोई महादेव कोई पूजा कोई ना, सबको सिद्धियां प्राप्त हुई। पूजा का विधान ही यही है कि सच्चे भावना से जो कर दो उसका तुमको परिणाम मिलेगा ही, फल मिलेगा ही, ये और बलि वही दे सकता है। निकाल समझो कि एक नियम है, आप कह देते हैं कि वो गलत, कैसे गलत है भैया, पौराणिक काल से चला आ रहा है, पौराणिक काल से चला आ रहा है, आपको इतना आता तो उनको मना कर देते, मना कर देते, मना काहे नहीं करेंगे। हमने कहा ना एक बात की आप पंचासनों का भी विधान है, उसमें मृग आसन है, बाघ का, सिंह आसन है, सिंह का भी आसन है, तो वो भी गलत है। ये तो वैदिक में, वैदिक मतलब वैदिक किताबों में लिखा है, मतलब कि किताब है, नित्य पूजा कर्म पढ़ोगे तो उसमें भी ये विधान है, ये सब आसन है, कम्बल के भी आसन है, पुष्प के भी आसन है, सब आसनों का भी विधान बताया गया है ग्रंथों में, शास्त्रों में, वो गलत कैसे हो गया भैया, गलत नहीं है, आपने गलत, आप अपनी विधि बताते हैं, वो भी गलत नहीं है, हम अपनी विधि बताते, वो भी गलत नहीं, विधि कोई गलत नहीं है। वो मूर्खताई वाला सवाल कि भगवान पे दूध क्यों चढ़ाते हैं, तो यहाँ दही क्यों चढ़ाते हैं, वहाँ हल्दी क्यों चढ़ाते हैं, मन तो इतना किसी आता है, लेकिन कि नादान है तो उसको जवाब देना हमारा ही काम है, यूट्यूब से देख करके फिल्मों देख करके आ जाता है, बस पूछ लेना है, जो फटा चमड़े को कहते नहीं है वो कहावत है, हम लोग तो भाई तेरा ही जवाब देंगे, चमड़े का मुँह चाहे जो बोल रहा है। लेकिन ऐसा भी बात नहीं करो कि भावनाओं पे ठेस पहुँचे, आत्मा पे ठेस पहुँचे, अरे दूध क्यों नहीं चलेगा, हम अपने माँ बाप की सेवा ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम क्यों ऐसे इसको, नाराजगी प्रेम भी बाप माई से ही होता है, नाराजगी भी बाप माई से, और महादेव और महामाई की बाप माई है, बाकी बात कलम, कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं जानना, सनातन धर्म था है रहेगा और रहता चला जाएगा। हमने कहा धर्म वही है जो हमारा
हमारे आपके आने से पहले था, संसार के आने से पहले था और युग के आने से पहले था, हमारे आपके जाने के बाद भी रहेगा, संसार के जाने के बाद भी रहेगा और युग के जाने के बाद भी रहेगा। उस सर्किल ऑफ साइकिल है, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, उसे कोई नहीं पलट सकता। ना हम इतने बड़े हो गए हैं, सर्व ज्ञानी तो कोई नहीं है, ना हम इतने बड़े हैं बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट दें, कोई नहीं। मेरे से ज़्यादा कोई दे सकता है, उनसे भी ज़्यादा कोई दे सकता है, उनसे भी ज़्यादा कोई दे सकता है, उनसे भी ज़्यादा कोई दे सकता है, और एक का एक गुरु बैठा हुआ है। तभी तो गुरु बनाया है हमने, मेरे गुरु के भी कोई गुरु रहे होंगे, उनके भी कोई गुरु रहे होंगे, उनको भी कोई गुरु रहे होंगे। और ये तो सत्य है ना कि आपके परदादा जो देखे, आपके दादा नहीं देखे, दादा जो देखे बाप नहीं देखे, बाप ने बाप जो देखे बाप नहीं देखेगा, आप जो देखेगा तो बेटा नहीं देखेगा, बस वही बात है। लेकिन बस नियम है, दादा कोई नहीं, सब नियम धर्मों से ही जुड़ा है। आप नहीं मानते हैं आपकी बात है। और युवाओं को जोड़ने का मैं एक बहुत अच्छा विधि बताता हूँ। युवा को जब कहते हैं ना कि तुम मंदिर आया करो, तो युवा सोचता है घूमेंगे फिरेंगे कि माँ के दरबार में आएंगे। ऐसे बहुत युवाएं आते भी हैं, आप लोग भी युवाएं आते ही हैं, बहुत युवा आते हैं। सबसे तो मैंने देखा है, जबसे मैं भागदौड़ में आया हूँ, मतलब माँ की सेवा में आया हूँ, मैंने देखा बहुत युवाएं आते हैं। मैं कई युवाओं से प्रेरित भी होता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ही सबको प्रेरित करूँ, मैं भी प्रेरित होता हूँ कि हाँ अच्छा लगा कि इतने बरसात में इतने आंधी तूफान में। मैं शुरू शुरू में बहुत युवाओं से प्रेरित हूँ, तो बहुत युवाएं आते हैं। जो युवा नहीं आते मैं उनको बस ये कहता हूँ, देखो हमारा मार्ग कहता है ना कुछ ना करने से बेहतर कुछ भी करना। नित्य दिन सुबह उठो, बहुत ज्यादा नहीं समय मांगूंगा आपको, सुबह उठो, उठ सकते हो उठते ही हो, 1 बजे उठ करके कोई अपने माता पिता को भारत रत्न नहीं मिलवा दो। हाँ ये होता ना कि 1 बजे उठे तो मेरे पिता को कल भारत रत्न मिलने वाला है, ऐसा नहीं कुछ होने वाला है। भारत रत्न कुछ नहीं मिलने वाला है, व्यर्थ कर दो समय को, तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है 1 बजे उठने। अगर एक कर्मचारी कह रहा है कि मैंने रात भर काम किया था, मैं 3 बजे भोर में सोने गया या 5 बजे भोर में सोने गया, वो 1 बजे उठेगा तो उसके पास एक ऑथेंटिक जवाब है देने के लिए। हाँ वो दे सकता है ये जवाब, हाँ उस पर तुम मान सकते हो कि हाँ इसका 1 बजे जागना सही है। इसका नाइट शिफ्ट रहता है, वो 1 बजे सुबह सोएगा तो वो 1 बजे जाग जाएगा। अब जो लड़का दिन भर टंडेली मारा, 1 बजे सोया, अगला दिन फिर उठा, तो तुम भाई काहे सोए 1 बजे रात में, तुम्हारा देरी से सोने का वजह क्या भाई, फोन चला रहे थे। तो ये कहना नित्य दिन सुबह नहीं उठो, 5 बजे 6 बजे उठो, 6 बजे ना उठो, 7 बजे उठो, 7 बजे तक उठ जाओ। सुबह उठो, फ्रेश होने में किसी भी युवा को मुश्किल से मुश्किल 45 मिनट लगेगा, 45 मिनट नहाए धोए 7:45 हो गया, अभी भी तुम्हारे पास 15 मिनट। घर में फूल का या तांबा का लोटा होगा, तांबा के लोटा में देना अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। और मैंने कहा हृदय भाव से, तांबा के लोटा में जल ले लो, उसमें लाल सिंदूर या लाल फूल रखकर सूर्यदेव को जल अर्पित करो, ना कुछ आए तो हनुमान चालीसा पढ़ के अर्पित करो, वो भी ना आए तो ओम सूर्याय नमः से जल अर्पित करो। और जब सूर्यदेव को जल अर्पित कर लिए, उसके बाद अपना आए कपड़ा वस्त्र बदले गए, अपने इष्ट देवता कुल देवता करके यहाँ पूजा स्थान नमन करो, दंडवत प्रणाम करके अपने घर के आस पास या माँ बगलामुखी के दरबार आ जाओ। और इस कार्य के लिए कोई भी माता पिता नहीं रोकूंगा, इस कार्य के लिए ये अच्छा कर्म, हाँ ये तो उत्कृष्ट कर्मों में से अपना आ जाओ, माँ के दरबार में आओ, माथा टेको, 3, 5, 7, 10 परिक्रमा लगा लो, हाँ माँ की स्तुति लिखी हुई स्तुति पाठ करके स्तुति पढ़ लो, हाँ वो भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 3 से 5 मिनट, हाँ और हृदय से माँ से जुड़ कर 5 मिनट बस पालथी मार के वहाँ बैठ जाओ। अब तुम देखना नित्य दिन आओ, नहीं तो हफ्ता में कोई 1 दिन बना लो कि हाँ उस दिन जाना ही जाना है, देखो आपके जीवन में क्या बदलाव आता। अगर नहीं आया, नहीं आया ये बदलाव, ऐसे तो बहुत नियम है, लेकिन अगर इतना करने से भी बदलाव ना आया तो आप जो हमें स्टाम्प पे बदलो, नहीं आया बदलाव तो आपको आपको पहले तो आपका मन बड़ा विचलित होगा, इधर उधर भागेगा, बहुत ऐसी बातें आपको याद आएंगी, आपकी गलतियां अपनी आपकी याद आएंगी, वो सब आपके सामने आएगा और आपको मौका आएगा कि आपको वोट सुनाऊंगा। और धीरे 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 जब एक लंबा टाइम समय बीतेगा आपके उस कार्य में, तब आपका मन स्थिर हो जाएगा, एकाग्रता के साथ आप ध्यान केंद्रित करेंगे, आपका आत्मा का जुड़ाव हो जाएगा, फिर आपको आगे का माँ बताएंगे आप जब आपके आगे आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आपका जीवन कैसा है, फिर आपको बड़े से बड़े बाधाओं में भी कोई भावनाएं नहीं चिपता जा भावनाएं नहीं होती, तो चाहे कि आपको फलना जगह से लोग आ रहा है ये बात बोलने आपको फंसाने आ रहा है, आप शांत हो जा रहे हैं, आपको माए बैठी है,
देखिए क्योंकि हमारा मार्ग तंत्र मार्ग है और हम तंत्र और वैदिक दोनों को लेके जाए ठीक है। और चूंकि जब हम श्मशान साधना करते हैं तो श्मशान की देवी कौन है? माँ काली। काली का रूप क्या है? काला। माँ काली का रूप काला है, वस्त्र काला पहनती है ज्यादा। अच्छा श्मशान के देवता कौन है? महादेव। महा उनके ही एक रूप है, अंश है महाकाल भैरव, जो वहाँ के द्वारपाल होते हैं। जब आपकी साधना जब चलते हैं तो द्वारपाल होते हैं, आप प्रवेश करते तो उनका आह्वान करते हैं। तो महाकाल भैरव का रूप काला, उनका वस्त्र काला। इसलिए जब भी आप जहाँ जिस देवी की पूजा करते हैं, ऐसी प्राथमिकता है पुराने काल से मिली, उनको जो रंग प्रिय है उस रंग का वस्त्र धारण करके जब आप साधना करते हैं तो वो माँ को बहुत प्रिय, अति प्रिय लगता है। अब पीला पहनने का वस्त्र क्या है? क्योंकि हम पीतांबरी के बेटा हैं, चूंकि हम भी जब साधना करते हैं बगला मुखी की साधना करते हैं, चूंकि हम श्मशान घर के साधना करते हैं इसलिए काला वस्त्र रहता है, और हम पीला वस्त्र चूंकि हम माँ बगला मुखी की पूजा करते हैं इसलिए पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं। इस पे भी बहुत लंबी व्याख्याएं हैं, लेकिन हम एक आम तरीके से समझा देते हैं कि जो आपको समझने में बड़ा आसान हो। और पीला वस्त्र हम इसलिए पहनते हैं चूंकि मेरी माँ को पीला वस्त्र बहुत अति प्रिय, पीतांबरी स्वरूप है उनका, पीला वस्त्र, पीला आसन, पीला हरिद्रा माला उनको बहुत प्रिय है, इसलिए पीला वस्त्र धारण करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे जीवन कर्मों से भी जुड़ा है, क्योंकि हम उनको साधना करते हैं। अब हम जिनकी साधना करते हैं उनका ही नियम हम पालन करेंगे ना, स्वतः तो नहीं करेंगे। और इष्ट हमारी माँ बगला मुखी है, ये साधक है, पर हम सभी देवी देवताओं को नमन, सभी का नमन करते हैं। लाल भी पहनते हैं, ऐसा नहीं है कि माँ लाल नहीं पहनती है, लाल भी पहनती है, हरा भी पहनती है। अब आमतौर पर सब लोग श्रृंगार करते हैं तो माँ को पीला ही पहनाते हैं या लाल पहनाते हैं, लोग समझते हैं कि माँ को लाल पीला ही पहनाया जाता है ना, माँ सब काला और उजला नहीं पहनती, क्योंकि माँ जब गर्भगृह में होती है तो वो पूरा पूर्ण रूप से वैदिक रूप में रहती है, तो वो पाल। लेकिन श्मशान तो शादी साधना तो गर्भगृह में नहीं होता, तो बाहर होती है ना, हाँ तो वहाँ का रूप अलग होता है ना। श्मशान साधना कब होती? रात्रि में होती है। रात्रि का रंग क्या है? काला। श्मशान की देवी कौन है? माँ काली। और देव कौन है? शिव के अंश भैरव कौन है? महाकाल भैरव है, शिव के अंश है, उनका रूप काला। इसलिए काला वस्त्र पहनना एक नियम दिन में होता है, तो कभी कभी पीतांबरी भी पहनते हैं, तो समझिए एक प्रकार का माँ का जब जैसा आदेश तब वैसा काम कर लो। आप भी यंग है और आप लगभग लगभग 25 आसपास होंगे। हाँ तो मेरा अभी देखिए, मैं सिर्फ बड़ा नाम सुना होगा, इसे बैठ करके देखा नहीं है मैंने अभी उनको ठीक से। हाँ ना, बड़े अच्छे अच्छे व्यक्ति है, तभी तो देश में चर्चा है जी। चर्चा उसी का जो अच्छा है या तो जो बहुत खराब, वो अच्छे हैं। देखो सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि उनके बारे में, हमारे शिष्य एक दिन कह रहे थे हम साधना में थे, उस समय तक उनका ना अपना वीडियो वायरल नहीं होता था, क्योंकि साधना से उनके मैं कहानी बताता, तो मेरे शिष्य ने कहा कि आपने इनके बारे में सुना है वीडियो, तो उन्होंने बोला के बारे में ऐसे कॉलेज में बताया है शास्त्रीय शास्त्री के, बताओ क्या बात है? पर्चा बनाते हुआ था, सिद्धियाँ होती वो जो कार्य करते वो होते हैं। ऐसे अनेक साधक सिद्धियाँ उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग अपनी सबकी अपनी अपनी मानसिकता है ना। कुछ लोग हैं जो अपनी साधनाओं को अपनी शक्तियों को छुपा के रखते हैं, किसी को दिखाते नहीं, उन्होंने दिखाया। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो दर्शा रहे हैं कि मैं बहुत सर्वशक्तिमान है, कोई उन्हें को लगा कि मैं भक्तों के भलाई के लिए कार्य कर सकता हूं, तो आखिर जमाना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। आप एक बात बताइए, 1990 में टेलीफोन था, उसके बाद छोटा सा कीपैड फोन आया, तो टेक्नोलॉजी वाले को लगा ना कि मैं धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ा सकता हूँ, वैसे उनको भी लगा होगा कि मैं अब जो लोग नहीं दिखा पाते हैं छोड़िए, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ, तो वो दिखाते हैं। दूसरी बात कि दो बात से आप किसी को पकड़िए, क्या मैं एक अच्छा साधक या साधु कब, मैं साधक कब बन सकता हूँ या ज्ञानी, जब मैं किसी को ज्ञान दे रहा हूँ और उस ज्ञान से किसी का भला नहीं हो, तब मैं बुरा हो सकता हूँ, और भला हो तो अच्छा हो सकता हूँ। तो क्या अगर उन्होंने दिखाया है, जो दिखाते हैं पर्चा बनाते हैं, तो क्या उससे वो गलत कभी साबित हुए हैं? नहीं ना, तो बस नहीं, बात सीधे सीधे इस पर कोई इल्जाम नहीं।
और उनकी आदर करो, हर एक साधु संत की आदर करो, क्योंकि समाज आज का समय जो आ गया ना, देखो किसी भी बिल्डिंग को तोड़ना होता है ना, सबसे पहले नीचे पाया तोड़ना है। किसी भी बिल्डिंग को बनाना होता है तो सबसे पहले उसका प्लिंथ बनाना, तो बीम तोड़ना हो तो पहले बीम तोड़ते हैं, जो जो पिलर होता है पिलर तोड़ते हैं, और बनाना हो तो पहले प्लिंथ बनाते हैं। तो मजबूती प्लिंथ और पिलर से ही है। तो धर्मशास्त्र का पिलर समझ जाओ, साधु संत महात्मा, मतलब महात्मा साधक आचार्य पंडित पुजारी जो यही है। हाँ, तो मैंने कभी तक पूर्ण रूप से नहीं देखा, क्योंकि समय सच में नहीं मिलता, बहुत कम समय मिलता है कि योजना फोन इतना चला पाए। हाँ, पर हम किसी दिन बैठे थे, हाँ मैंने उनका देखा है, प्रेमानंद जी महाराज बहुत रसिक संत हैं, उनका तो आशीर्वाद मिले भाई, बहुत लाभ है, मतलब सौभाग्य की बात होगी। हाँ, बहुत अच्छे, और सभी साधक साधु संत बहुत अच्छे, सब अच्छे ढोंगी साधु, मतलब देखो बस हमने शुरू में यही बात कहा ना, ढोंगी साधक नहीं हो सकता, साधक कभी ढोंगी नहीं, ठीक है ना। नियम अलग है, वैष्णव वाले कह सकते हैं कि ये अलग नियम है, तांत्रिक को देख करके तांत्रिक साधक, तांत्रिक वाला वैष्णव वाले को देखेगा तो कहेगा कि इतना नियम पे अपना चलते हैं, सीधा सा। हाँ, बस इतना ही है। और ये शास्त्री अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे साधक हैं, समाज की उद्धार के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, होंगे कर रहे हैं भी, होंगे भी, और उनका जीवन समर्पण है साधना पद के लिए, धर्म के लिए, और लोगों के आत्म अपने भी आत्मोन्नति के लिए और समाज कल्याण के लिए, जैसे हम लोग का भी है। तो भगवान माँ बगला मुख की उन पर कृपा बनाए रखे, सदैव उनको आगे बढ़ाए। हाँ, बोलने वाला बोलता रहेगा। देखो पता है भारत देश की सबसे खराबी क्या लगती है, कि चाहता सब है, जैसे कि मान के चलो तुम मेरे पसंदीदा हो तो हम चाहेंगे कि तुम मैच जीत जाओ, ठीक है, और जैसे ही तुम मैच जीत जाओगे तुम्हारा एग्रेशन आएगा, जीतने के बाद तुम्हारी भी तो अपनी भावना है, जैसे ही आएगा बस अब हमको आगे इसको तो घमंड आ गया, नहीं बता सकता, फिर हम ही चाहेंगे कि तुम तरक्की नहीं करो। हाँ, वही बात है। अरे कुछ साधु संत उसके समाज को कल्याण ही कर रहे हैं ना। मैं चमत्कार पे विश्वास तो नहीं करता, ठीक है, मैं चमत्कार पे विश्वास नहीं करता, पर लीलाएं जो होती हैं ईश्वर की, लोग उसको चमत्कार का नाम देते हैं, वो चमत्कार नहीं होता, वो माँ की लीला होती है, और लीला में ना कोई प्रेम होता है ना कोई भाव, बस प्रेम, और प्रेम चाहे जैसे बैठे। अभी आपने कहा कि कुछ भी, जैसे किसी की तबियत खराब है, बहुत लोगों ने भी सुना है कि प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है, कई उन्होंने दिखाया है कि जो भी तांत्रिक है, जो भी ऐसा कुछ करते हैं वो हमको करके दिखाए, हमको ठीक करके दिखाए, ये क्या था, ये थोड़ा सा है ना, बहुत रसिक संत है, जो बोल दे सब अच्छा, उनका तो डांट भी अगर पड़ जाए किसी को तो उनका भाव भी बदल जाए। हाँ, उनका बहुत आदर करते हैं, ये बात हम सच में नहीं सुने हैं। हाँ, सुनेंगे ये बात तब हम बात करेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने सही कहा, कोई हमने तुम आपको क्या कहा शुरू में, शिवशीकरण होती है, पर अगर आप अपने इष्ट में प्रबल हैं, ये इष्ट पे हैं, आपकी इष्ट आपके साथ प्रबल साथ खड़ा, आपके साथ खड़ा, आप अपने भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, कोई भी तांत्रिक प्रभाव आपको नहीं होगा। और हमने कहा तांत्रिक क्रियाएं जो होती है, लोग उसको सिर्फ झूम टोंग ही तक समझता है, पर तांत्रिक क्रियाओं में भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, तांत्रिक क्रियाएं भी ईश्वर को ही पूजता है, ठीक है। तो यही बात फिर कहूंगा कि गलत तांत्रिक ने तांत्रिक गलत नहीं हो सकता। हाँ, तो सही में किसी तांत्रिक में इतना प्रभाव नहीं है कि वो आपके ऊपर आने वाली समस्या को दूर करें, आपके सच में किसी तांत्रिक के पास इतनी क्षमता है कि आपके आने वाली समस्या को दूर कर सकते हैं। पता है क्यों दूर कर सकता है, क्योंकि वो आखिरी अगर आप मेरे पास आते हैं कोई समस्या लेकर, मुझे ये समस्या उस समस्या, मैं कहूँगा कि आप माँ की पूजा करें, आप नहीं कर सकते तो ब्राह्मणों से करवाएं, तो हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आप मेरी पूजा करें, हमने तो कहा माँ की पूजा करें, तो माँ की पूजा करें ना, आप नारायण की पूजा करें, आप महादेव की भजन, जैसे किसी को ग्रह गोचर है या किसी को काल सर्प दोष होता है तो कहा जाता है ना महामृत्युंजय का जाप करें, तो महामृत्युंजय जाप किसका हो रहा है, तो जाप के दौरान में किनका नाम लिया जा रहा है, महादेव का नाम लिया जा रहा है, तो करेंगे कौन, महादेव, माध्यम कौन बना, मैं, अगर मुझे किसी चीज की ज्ञान के अनुसार, मैं 10 बात बोलाऊंगा, अभी तक 1.5 घंटा तक बात चली है, 50 बात मैंने गलती बोली होगी, और मुझे जैसे प्रेमानंद जी महाराज आए उनका कहें कि देखो देव ये तुमने गलत बोला और ये तुमने सही बोला,
हाँ, या इस शहर में बहुत ऐसे सिख संत हैं, या मेरे गुरुदेव को कहेंगे देखो यहाँ तुमसे थोड़ी गलत बोला गया, मैं थोड़ी कह रहा हूँ मैं सब साथ सही बोलाऊंगा, हो सकता है मुझसे भी कुछ गलत बोला गई, तो वो कहेंगे क्या, तो मैं बोलूँगा ठीक है। तो मुझे ज्ञान मिला, ज्ञान अपने आप में परम ब्रह्म का स्वरूप है, लेकिन ज्ञान का माध्यम कौन बना, गुरुदेव बने। शक्ति जो होती है ना, सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष, मैंने कहा कोई भी तंत्र साधक तांत्रिक जो सिद्ध जो किसी के भला के लिए कार्य करेगा, वो अपने भगवान से ही आपकी आराधना करेगा, किसी और के पास नहीं, किसी और के पास जा ही नहीं सकता। तो वो एक कहानी है कि बहुत पुरानी कहानी है कि तारापीठ में गुरुदेव है, बामा खेपा का नाम सुना होगा, साधक आए इतने साल मुझे बहुत आया, तो कहा कि गुरुदेव मेरे पास मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। इससे पहले वो कहीं गए थे, जहाँ गए थे वो काली के बहुत बड़े साधक थे, उन्होंने कहा तो माँ कहली कि साधक अपनी माँ से पूछे कि माँ इसको बच्चा होगा, तो माँ कहेगा नहीं होगा। हाँ, तो वहाँ से फिर यहाँ पे आए बाबा के पास, उनसे बच्चा होगा, तो हाँ होगा, हो जाए जाओ, आशीर्वाद दे दीजिए, वो बड़े बुढ़िया टाइप के दे दिया, जाओ हो जाएगा। कह माँ को बोले इसको बच्चा हो जाना चाहिए, बोले कि माँ इसको इसको संतान दे दो, हाँ इसको संतान की प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने प्रार्थना भाव किए माँ से, माँ तारा रानी से किए, तो माँ उसको आशीर्वाद भी हो गया। देखिए काली भी माँ तारा है, माँ तारा भी काली है, हमने कहा ना पैकी पढ़ा सकती सब में वास करती है, माँ तारा क्या से जगदम्बा तो संसार को ऐसे बदल सकती है ना, हाँ वही बोल के यहाँ दे देंगी, हाँ तो दे दी। तो उन साधक थे तो पूछे कि माँ मेरे साधना में ऐसी क्या कमी रह गई कि आपने, मैंने भी तो पूछा था कि इसको संतान होगा, आपने कहा नहीं। उन्होंने कहा देखो तू मेरा प्यारा बेटा है ना, तुमको प्यार से गया नहीं होगा तो साथ हो गया, वो बदमाश बेटा है वो लड़ने लगता है हमसे, हाँ देवे तो मैं खाने छोड़ दो, घरे छोड़ के चल जाऊँ, तो हमको मजबूरन चल जाएगा, तो हमको उससे भी तो प्रेम है। तो माँ हमने कहा ना कि माँ सब बेटे से करती है, बदमाशों से करती है, अच्छों से करती है। हाँ तो माँ के स्वरूप को कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी पद्धति, किसी भी पंथ से देना माया का नाम है, चाहे जिस भी रूप से, चाहे महादेव का नाम ले, मेरे लिए महादेव, महानारायण, ब्रह्मा, विष्णु, सब इंद्र, मतलब सभी देवी देवता मेरे माँ में ही रूप में दिखते हैं और मेरी माँ ही सब रूप में दिखती है। हाँ तो मेरे लिए वही है प्रेमानंद जी महाराज, माँ बड़ा सब बड़ा मम्मा राधा रानी को मानते हैं बहुत जगह पे। तो लोग अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, इसकी ये वीडियो मेरे पास भी, हम भी देखें कि कहीं पे लोग कहता है कि राधा रानी पे कुछ बात हो, नहीं बड़ा मम्मा है राधा रानी, सौम्य रूप में है, हमने कहा ना माँ काली पिछले बेटा का बात को क्षमा कर देती है, उपर हो जाए तब राधा रानी के रूप को तोड़ देख, महादेव भागते हैं महारानी का जब रूप, उग्र रूप जब उग्र बोलते हैं माता जी का, महारानी का जब रूप जब उग्र हो जाता है तो महादेव भागते हैं, भागना पड़ेगा। तो माँ सीता, माँ राधा रानी, तारा, लक्ष्मी, सब बड़ा सब है, बस रूप अलग है, सौम्य है इसलिए क्षमा कर देती है, कहीं उग्र है और नाटकी भी है, कहीं पे बेटा भी ऐसा थोड़ी है कि माया सौम्य उग्र हो सकती है, उनका बेटा भी उग्र उग्र सौम्य हो सकता है। हम कभी डांट के भी बोल देंगे, मेरे मुझसे कभी कभी डांट गुस्सा भी निकल जाता है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज है गुस्सा नहीं होता, बहुत बात बोलेंगे तभी वहाँ गुस्सा होंगे, हाँ हम लोग भी वैसे ही है, वो गुस्सा नहीं मिलेंगे, जब ऐसी बात करोगे तो भैया वो बर्दाश्त नहीं होगा हम लोग से। हाँ तो ये जो बात मैंने कही है कि किसी साधक नहीं है कि किसी तांत्रिक ने अपना है कि मेरे बीमारी को ठीक कर दे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ ये कोई चलो ठीक है की बात सत्य नहीं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज तो उनसे सीखिए, मतलब इतने बड़े गुरु हैं तो खुद बहुत बड़े साधक हैं, उन्होंने राधा रानी की साधना के लिए हर वक्त राधा रानी का रो देते हैं, रो देते हैं धीरे धीरे साथ रो देते हैं, हम बात कर रहे थे हम लोग रो देते हैं उनकी साधना में, आंसू निकल आती है लेकिन वो दिखता नहीं है, दिखेगा नहीं। अब क्या है कि पूरा टीवी मीडिया उनकी तरफ है तो वो दिख जाता है, वो आज दिख जा रहा है, वो कब से साधना कर रहे हैं, कितना आंसू निकला होगा उनका, कितना तपस्या किए होंगे उनकी, मैंने पढ़ी मैंने देखा था कि मां कितना मतलब घूमे हैं वो, बहुत ज्ञानी है, बाप रे बाप, मतलब हमारा तो सौभाग्य कि डांट भी दे
लपड़ भी लगा दे हम लोग का तो सौभाग्य बन जाएगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा उनका। हम लोग अपने गुरु को, मेरे गुरुदेव सिखाते हैं कि गुरु को बड़ों को कोई 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 ठीक है, तुमने तुमने एक पूरा अध्याय पढ़ लिया जिनको पूरा कंठस्थ किया, और सामने वाला उस अध्याय को नहीं पढ़ा, उसने अलग अलग अध्याय को पढ़ा, और तुमसे पढ़ा है साधना साधना में भी तुमसे आगे वो जीवन का कुछ ना कुछ ऐसा विद्या तुमको देगा जो तुम्हारे जो तुम्हारे पास अभी नहीं, जो अभी नहीं वो विद्या। तो अपने से बड़ों के पास कभी भी जाओ, आप बड़े साधक जो तुमसे उम्र में बड़े हैं, जो जिन्होंने माँ की कई वर्षों से साधना की, उनके पास जाकर के कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं निकालना चाहिए, एकदम डाउन टू अर्थ हो जाओ, एकदम एकदम साधारण बन जाओ कि गुरुदेव बस आप ही हैं, मतलब आपसे जो मिल जाए हमको मेरा सौभाग्य, उनसे जो मिल जाए सौभाग्य। और ज्ञान परम ब्रह्म है, उसका कोई उम्र नहीं होता। जैसे जैसे रोड में पड़ा हुआ सोना का मूलधन कभी कम नहीं होता। अगर तुम जा रहे हो, तुम किसी कचरे के ढेर में देख रहे हो कि पाए पोटली भर के सो, पट से उठा लोगे जाकर, कोई नहीं देख रहा है, या 10 का नोट 20 का नोट या धनी रखा हुआ है, कोई कोई भी चीज प्रकार का जो मूल्यवान है, तो तुम उसका मूल्य नहीं घटेगा वहां पढ़ने से। 100 का नोट कचरे के ढेर में रखा, 100 ही कहलाएगा, 10 नहीं हो जाएगा। लेकिन वैसा ही ज्ञान, ज्ञान किसी भी रूप से मिल जाए वो ज्ञान ही कहलाता है। ज्ञान छोटा नहीं होता, ज्ञान बड़ा नहीं होता, ज्ञान तो परम ब्रह्म है, संसार ही ज्ञान है, ठीक है ना। इसलिए पंच साधनाओं में ज्ञान की भी साधना बताई गई है। इसलिए किसी को भी कर्म योग भक्ति ज्ञान तंत्र, ये पंच साधनाओं का उल्लेख है इसमें। कभी कहीं कहीं पर साधनाओं में तंत्र मंत्र यंत्र भी बताया गया है, कहीं साधना में सात्विक राजसी तामसी भी बताया गया। सब जगह की अपने अपने मत है, अपने अपने रूप है, ठीक है ना। तांत्रिक न तांत्रिक गलत है, पद्धति गलत है, न वैदिक पद्धति गलत है। जिसने जैसे भगवान को जहाँ देखा, जिसने जैसे अपनाया, उसी रूप से उनकी पूजा की। और तंत्र क्रियाएं सत्य है कि बलिष्ठ क्रिया है, गुरु कोई भी क्रिया बिना गुरु के नहीं होना चाहिए, बिना गुरु के आदेश के नहीं होना चाहिए। और तंत्र मार्ग में जब आप प्रवेश करते हैं, चूंकि आप जब भूतेश्वर की पूजा कर रहे हैं और या उग्र आप तंत्र अश्मशान में पूजा करते हैं, आप उग्र देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, वो उग्रता आपके अंदर आएगी ही आएगी। और वो जो नियम पौराणिक काल से चला आ रहा है वो कहीं ना कहीं सही है, उसको ना जितलाया जा सकता है ना बदलाया जा सकता है, चाहे कोई कुछ भी उसमें हम कहेंगे कि कोई कुछ भी बोले, जो नियम चलता आ रहा है ऐसे ही थोड़ी है। बड़े बड़े बहुत सारे किताबों में उस नियम के बारे में लिखा हुआ है, तुम ऐसे गलत थोड़ी लिख दिया होगा, क्रिकेट होगा तब ना लिखा गया होगा। हमारा सुनते आए हैं कि तपस्या करते हैं 100 साल 200 साल 300 साल, ऐसा होता है ना कि तपस्या कर रहे हैं, किसी की सिद्धि कर रहे हैं, भगवान का प्यास कर रहे हैं, तो क्या कलयुग में भी ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे साथ तपस्या कर रहे हैं और अभी सुखे हो गए? क्या हम सुने तो हैं, कैसे देखा नहीं। साधक शक्तिया ये रहस्यमय, मैंने शुरू में कहा था ये कर्म कितना रहस्यमय, इसको पूर्णता कोई नहीं समझ सकता, महसूस किया जा सकता, आनंद लिया जा सकता। ऐसे हैं जो 100 साल 200 साल होंगे, जो गुफाओं में होंगे या हिमालय पर्वत में होंगे या कैलाश पर्वत में होंगे या कहीं ना कहीं तो होंगे ही होंगे। हाँ, लेकिन कलयुग में अगर कोई मनुष्य एक दिन भी, एक महीना छोड़ो, मेरा मानना एक दिन भी भगवत का नाम लेता है, एक दिन भी अपने इष्ट का नाम लेता है, एक दिन में उसके सारे पाप धुलने स्टार्ट होते हैं, और वो अपने पापों से मुक्त होकर के पुण्य की ओर बढ़ेगा और पुण्य की प्राप्ति करेगा। हाँ, तो भगवान का नाम ले। सभी युवाओं को मैं जरूर कहूँगा कि या लोग को या भक्त को कि जरूरी नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ कि मैं कवच कैसे करूं, पाठ कैसे करूं, तंत्र साधना में शुद्धिकरण ये क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा है, कम से कम इस कर्म की कोई विधि नहीं, और ये भी लाभ बलदायक है, उतना ही प्रभावशाली उतना ही बलशाली है। आप कहीं भी पालथी मार के खड़े हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ट्रेन है, बस में, कहीं भी किसी भी अवस्था में, ठीक है ना, आप अपने इष्ट का नाम बिना गिनती की, आप 11, 21, 27, 54, 108 भी ले सकते हैं, 1008 भी ले सकते हैं, लेकिन बिना गिनती किए बैठ करके हाथ जोड़ करके जिस भी मुद्रा में आपको बन रहा है आप अपने इष्ट का नाम जपते रहिए, माँ बगलामुखी माँ बगलामुखी माँ बगलामुखी माँ बगलामुखी, वो
इतना भी लेते रहिए। हाँ, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये भी कीजिए। नारायण नारायण, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, राधा रानी राधा नमः, राम राम राम, बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली, इतना करते रहिए आपका कार्य बन जाएगा। आप देखिए बड़े से बड़े जटिल समस्या में आप पड़े होंगे, आप निकल जाइए। मैंने आज बहुत नहीं बताया और मैंने वो नैतिकता बताई है जो होनी चाहिए मुझे। हाँ, शायद हो सकती बहुत जगह गलत भी होगा वीडियो जाए या सही भी होगा, मैं गलत हूँ सही हूँ मैं नहीं जानता, बस मैंने जो सीखा अपने जीवन में वो मैं लोगों में साझा कर रहा हूँ, ज्ञान बांट रहा हूँ, उसको ज्ञान भी दीजिए। हाँ, जैसे लेना है उसको धारण करना है कीजिए, अपने जीवन में एक नियम बनाइए, अध्यात्म से धर्म की मदद। बहुत अच्छा लगा भैया, तुमसे ही बात करके बहुत अच्छा लगा, सीखने को मिला, हमारे दर्शकों को भी सीखने को मिला होगा। तो अगर आप मुजफ्फरपुर से हैं और आप यहाँ आते हैं तो भैया जरूर मिले और जरूर से जरूर आए, और नहीं आते हैं तो जैसा आने का प्रयास करें, और जैसा भैया ने बताया है किस प्रकार से पूजा करनी है, किस प्रकार से मन्नत मांगनी है, तो इसका फॉलो करें और आप देखें किस प्रकार से आपका सारे कार्य पूरा होता है। धन्यवाद कहीं भी पूजा। सबसे प्रथम तो भक्ति साधना सब जगह प्रबल है, भक्तों को कुछ ना आए तो अपनी भक्ति से अपने यथाशक्ति से माँ को जैसी पूजा कर सकते। यहाँ 365 दिन माँ बगलामुखी की पूजा, मतलब यहाँ तो हवन 365 दिन होता है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए निकास, अपनी पीड़ा, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए निवारण हेतु माँ बगलामुखी के हवन में मिलित को हवन कराए, हवन करे, माँ को दही हंडी का प्याला चढ़ाए। और यहाँ तांत्रिक पद्धति से भी माँ की पूजा की जाती है, जो नित्य बृहस्पतिवार, पूर्णिमा और अमावस्या को की जाती है। यहाँ माँ बगलामुखी के माँ के दरबार के जस्ट पीछे, मतलब 3 कुंड यहाँ बने हैं, जो त्रिगुणात्मक चतुष्कोण और षट्कोणात्मक रूप में है। तीनों कुंड पे अलग अलग विधि या अलग अलग समस्याओं के निवारण हेतु इन तीनों कुंड पे हवन किया जाता है। ऐसी बहुत पौराणिक समय से हमने, मतलब बहुत समय से हमने यहाँ देखा है, इस कुंड पे जो भी भक्त हवन करते हैं अपनी समस्या निवारण हेतु माँ बगलामुखी के मंत्रों के द्वारा, या जिन मंत्रों के द्वारा वो पूजा अनुष्ठान करते हैं उस मंत्रों के द्वारा यहाँ पे हवन करने से भक्तों की समस्या का निवारण होता है। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जैसे महादेव का रुद्राभिषेक किया जाता है, जैसे रुद्राभिषेक किया जाता है, वैसे ही यहाँ माँ बगलामुखी के दरबार में सहस्त्र दल यंत्र पे यंत्राभिषेक भी किया जाता है, जो अपने आप में अलौकिक है। 200 लीटर दूध से माँ की यहाँ पे यंत्राभिषेक की जाती है, उसके अंदर तो बहुत सारी विधियाँ हैं, विधि है जो नियम है, जो भक्त आते हैं मैं उन्हें बता देता हूँ, बताया जाता है उन्हें। तो जो भक्त माँ के यंत्र पे बैठ करके माँ के समक्ष यंत्राभिषेक करते हैं, उसमें नियम यह है कि जिस दिन यंत्राभिषेक जिस भक्त को करना होता है अपने, उनको एक तिथि दी जाती है शुभ तिथि पे। ऐसे तो माँ सिद्धेश्वरी है, किसी भी दिन किसी भी समय पूजा पाठ यहाँ शुरुआत की जा सकती है, अनुष्ठान किया जा सकता है। पर अभिषेक के दौरान में चूंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आगमन होता है, आवाहन होता है, माँ के त्रिकाल स्वरूप का भी आवाहन होता है, तो एक विशेष तिथि के दिन भक्त को तिथि दी जाती है और भक्त को उस दिन माँ बगलामुखी का श्रृंगार करवा करके, हाँ, माँ की सोत्सोपचार पूजा करके, फिर यंत्राभिषेक में सोत्सोपचार यंत्र का सोत्सोपचार पूजन करके माँ का 200 लीटर दूध से माँ का यंत्राभिषेक किया जाता है, जो पूरे विश्व में अलौकिक है, ये अपने आप में अलौकिक रूप है माँ का यहाँ पे। और इस अभिषेक से कई भक्तों के जीवन में आए हुए असीम से असीम बलिष्ठ से बलिष्ठ समस्या, जो मतलब अनिष्ट रूप से परेशान कर रहे हैं या उन्हें समस्या दे रहे हैं, वो समस्या से भी निवारण मिलता है। तो सभी भक्तों को कभी भी यहाँ पे कुछ ऐसा समस्या हो तो आकर के इन सब साधनाओं में सम्मिलित हो, इन सब पूजाओं में सम्मिलित हो, जो उनको अपने जीवन में अलग अनुभूति प्रदान करेगा। तो और यहाँ पर बगलामुखी के दरबार में चैत्र नवरात्र और आशीन नवरात्र, क्योंकि नवदुर्गा का 2 नवरात्र, नवदुर्गा की पूजा 2 नवरात्रों में की जाती है। ऐसा नहीं कि उस समय 10 महाविद्या की नहीं की जाती, 10 महाविद्या की भी की जाती है, पर 10 महाविद्या की जो गुप्त नवरात्र होते हैं और नवदुर्गा के दुर्गा माता के नवरात्र दो होते हैं, तो चैत्र नवरात्र और आशीन नवरात्र। तो चैत्र यहाँ माँ बगलामुखी के दरबार में चैत्र और आशीन में 9 दिन का महायज्ञ होता है
जो हर साल कई वर्षों से हमारे पिताजी हमारे गुरु पिताजी के द्वारा जो हमारे गुरु के भी गुरुदेव थे उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, शुरुआत किया गया था और तब से कई भक्त इसमें सम्मिलित होते हैं और ये 9 दिन का सुबह और शाम पूजा होता है। उसमें निशा रात्रि के दिन निशा साधना होती है, जो रात भर की साधना होती है। माँ बगलामुखी की पूजन में निशा साधना का भी विधान है जो यहाँ माँ की कृपा से होती है। उस दिन निशा आरती करके माँ का निशा पूजा स्टार्ट किया जाता है और रात भर ये पूजा हवन यहाँ पे चलती रहती है, जो अपने आप में वो भी अलौकिक ही है, अद्भुत दृश्य होता है देखने को। कभी होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा, साझा करूँगा उस। और वो गोपनीय होती है उस पूजा में, ऐसे महिलाओं का भी आगमन होता है, कई जगहों पर महिलाओं को भी बैठाया जाता है। पर बहुत लोगों में यहाँ ये मन में गलत फहमी है कि यहाँ वो गलत क्रिया है इसलिए यहाँ महिलाओं को नहीं बैठाया जाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। महिलाओं को ना बैठाने का वजह ये है कि रात भर 50 से 60 या 70 या 100 मर्द होते हैं, उसमें चुनिंदा एक दो महिला वो अगर बैठती हैं तो उनको खुद में अनकंफर्टेबल लगेगा उनको, इसलिए इस दौरान हम उनको कह हम लोग के द्वारा उनको कह दिया जाता है कि इस पूजा में आप ना बैठ करके आपके पति बैठेंगे, क्योंकि शहर का माहौल है, रात भर का पूजा है, अर्ली मॉर्निंग आप कैसे जाएंगी, क्योंकि महिलाओं का भी तो हमें देखना है ना कि उनकी सुरक्षा हेतु क्या किया जा सकता है। अब चूँकि मैं रात भर मैं पूजा स्टार्ट होने का मैं खुद भी अपनी पूजा में ध्यान में प्रवेश कर जाता हूँ, मैं अपनी साधना में लग जाता हूँ, तो मैं भी हवन में बैठ जाता हूँ, तो उस दौरान मैं उठ के तो नहीं देखूंगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो किसी भक्त में आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ माँ की कृपा से, कभी कोई गलत फहमी या कोई गलत भावना नहीं बनी यहाँ पे, पर फिर भी ना बने इसलिए महिलाओं को उसमें मना किया जाता है, चूँकि रात भर की पूजा है, रात भर कोई महिला अकेले पूजा में ना बैठे, मतलब कई मर्दों के बीच में ना बैठे, उन्हीं को अनकम्फर्टेबल लगे इसलिए नहीं बैठाया जाता। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ महिलाओं को नहीं बैठाया जाता, महिलाएं बैठती हैं पूजा में सुबह शाम, शाम की भी कई हवन होती है जो नित्य दिन में होता है, उसमें महिलाएँ अति हवन करती हैं आकर के, जो उनके लिए लाभदायक भी है, कई महिलाएं बैठती हैं। तो ये गलत फहमी जो मन में शहर में फैला हुआ है कि रात में यहाँ महिलाओं को नहीं बैठने दिया जाता, कोई झूम टूम होता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके ही अनकम्फर्टेबल सेफ्टी के लिए हम लोग ये कार्य करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, आप नौ दिन की पूजा में बैठिए, शाम में पूजा होती है जो आरती के समय 7 से 9 बजे तक, उसमें बैठिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात की पूजा होती है वो 12 बजे से स्टार्ट ही होती है और सुबह 5 बजे खुलकर भगवती की इच्छा जब तक चल जाए, उस दौरान में बैठाने के लिए हम लोग इसलिए रोकते हैं क्योंकि रात का समय है, आप अकेली महिला आप अकेले बैठे हैं पूजा पे, एक कुंड है, एक ही कुंड पे 20-20 लोग बैठे हैं, आपको नहीं अनकम्फर्टेबल हो इसलिए, क्योंकि वहाँ पे सब एक समान हो जाते हैं, हमारे लिए पक्षपात नहीं कर सकते हैं हम, इसलिए उस जगह पे उनको ना बैठा करके उनके घर की कोई मर्द या बेटा हो या उनके पति हो या उनके पिता हो तो उनको बैठा दें। तो ऐसे गलत फहमी गलत धारणा जो बनी हुई शहर में वो ना बने। हाँ, ये बात मैं आज आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, भक्तों में जाए तो अच्छी बात है, गलत फहमी बनने से अच्छा है कि आधा झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है आधा अधूरा सच, इसलिए आधा अधूरा सच लोगों में ना जाए, ये मैं आपको चाहूंगा। जय माँ बगलामुखी, माँ भगवती सभी पे कृपा बनाए रखे और आप लोग भी माँ के दरबार आते रहिए जब समय मिले, जो नियम बताएं वो नियम से भी, नहीं तो यथाशक्ति तथा भक्ति माँ का मतलब हाथ जोड़ के भी नमन के लिए समाज को जय माँ।